हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको जो है सिंपल सेंटेंस का जितना रूल पढ़ा चुके हैं उन सभी को जोड़कर एक मास्टर वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको जो है परीक्षा से पहले रिवीजन के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और वैसे भी अगर आप सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो भी आप इसको एक साथ देख सकते हैं। परीक्षा के समय इतना समय नहीं रहता आपके पास, टुकड़ों टुकड़ों में आप वीडियो को सर्च करके देखेंगे तो उस समय आप इसको आराम से रिवीजन कर सकते हैं। आपकी इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं सभी जो है सिंपल सेंटेंस के जितने रूल्स हैं उनका एक जगह जो है एक वीडियो में जो है कलेक्ट करके आपको बना दे रहा हूं ताकि आप आराम से पढ़ सकें। और अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपका सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आप पूरे ईजिली कर ले जाएंगे। मिलते हैं पूरे मास्टर वीडियो के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेस। आइए आज इम्परेटिव सेंटेंस में आई लेट को बदलने के नियम इसको हम देखते हैं। लेट को कैसे, मतलब लेट वाले वाक्य जो इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा, इसके पहले रूल्स हम देखते हैं, इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज भी अगली वीडियो में देख लेंगे। देखिए, लेट का प्रयोग जो है नीचे दी गई बातें प्रकट करने के लिए होता है। ये एक्सीलेंट ग्रामर क्लास 12 की किताब से देखिए पढ़ाया जा रहा है, रूल्स आपको क्लियर किए जा रहे हैं, एग्जांपल से आपको पूरी तरह समझ में आ जाएंगे। देखिए, लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव प्रकट होता है। लेट का प्रयोग मुख्य रूप से तीन चीज़ों को प्रकट करने के लिए होता है आपके कोर्स में जो दिया गया है, प्रस्ताव, दूसरा प्रार्थना, तीसरा आदेश। ये तीन चीज़ें प्रकट करने के लिए होता है, तीनों के रूल अलग अलग हैं इसलिए सबको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। प्रस्ताव के लिए कुछ स्पेशल रूल्स बताए गए हैं, उसको आप पहले देख लीजिए। तो लेट का प्रयोग अगर प्रपोजल यानी प्रस्ताव के लिए होगा तो क्या होगा, लेट वाले वाक्यों से प्रस्ताव का बोध होता है तो साधारणतः वाक्य में लेट के साथ अस का भी प्रयोग होता है, यानी लेट के साथ अक्सर अस आ जाता है तो उसमें लेट के साथ अस आने से प्रस्ताव प्रकट होता है। तो इतना जान लीजिए, आप ट्रिक जान लीजिए, प्रस्ताव कैसे जानोगे, लेट के साथ अस आ जाएगा तो प्रस्ताव प्रकट होगा। तो इसमें नियम क्या है डायरेक्ट बनाने का, रिपोर्टिंग पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं, यानी रिपोर्टिंग पर मतलब सेड या सेड टू रहेगा तो उसको हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। ध्यान ये देना है कि प्रपोज सजेस्टेड में बदलने के बाद जैसे सेड को तो बदल देंगे, लेकिन सेड के साथ अगर जो है मान लीजिए टू भी है तो प्रपोज या सजेस्टेड के साथ अगर ऑब्जेक्ट लिखना तो टू भी लिखा जाएगा, ये तो तुरंत दैट लिखना तो नहीं लिखा जाएगा लेकिन ऑब्जेक्ट लिखना तो टू लिखा जाएगा, इस बात को आपको ध्यान देना। इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड यानी कंजक्शन दैट लगा देते हैं, तो कंजक्शन क्या लगेगा इसमें, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगेगा। तीसरा बात है ऑब्जेक्टिव केस, जैसे अस आता है लेट के साथ अस आएगा तभी तो प्रस्ताव प्रकट होगा, तो अस को नॉमिनेटिव केस वी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। सब्जेक्ट देख लेना, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वी में, थर्ड पर्सन है तो दे, ठीक है, एक वचन बहुवचन से नहीं मतलब है, दो में ही बदला जाएगा तो वी में या तो दे। सब्जेक्ट देख लेना, फर्स्ट पर्सन है तो वी, नहीं तो दे। वैसे आपको कुछ किताबों में अभी बताया गया कि वी या दे किसी में बदल सकते हैं, क्योंकि उसमें ये बात होती है कि जो आदमी कह रहा है दूसरे से बताएगा अगर वो उस कार्य में शामिल रहता तो वी कहता है, नहीं तो दे का प्रयोग करता है, इसलिए फर्स्ट पर्सन आने पर आप वी का प्रयोग करिए। हाँ, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट में भी आ गया है तो अब भी राजू प्रकाशन की एक्सेलेंट के अलावा एक करंट जनरल इंग्लिश इंटर किया थी विद्या प्रकाशन की, उसमें बताया गया रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट है तब भी आप वी का प्रयोग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप वो आदमी उसमें शामिल हो सकता है इसलिए, तो आप चाहे जिस हिसाब से करोगे तो वी या दे में कोई गलती नहीं है। अगर हाँ फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच में ना दिखाई पड़े तो आप हमेशा दी का प्रयोग करें। आगे देखिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा अभी आपको। वी या दे में लेट को शुड में बदलते हैं और वी या दे के बाद लिखते हैं, मतलब पहले वी या दे लिखेंगे तब शुड लिखेंगे, क्योंकि भाई शुड वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो उदाहरण देखते हैं, हरी सेड, हरी ने कहा लेट अस प्ले इमेज, आओ मैच खेलें, तो सेड को प्रपोज्ड कर दिया गया, चाहे सजेस्टेड भी कर सकते हो। हरी प्रपोज दैट, अस को देखिए यहाँ हरी क्या है, थर्ड पर्सन है तो हरी के लिए तो वैसे तो ही आएगा लेकिन ही लिखने का अलाउ नहीं है तो इसलिए ही का बहुवचन क्या हो जाएगा, दे, ठीक है, क्योंकि वी एक अस वी से बना है तो बहुवचन है तो बहुवचन बदल के हम बहुवचन ही लिखेंगे, दे हो जाएगा। लेट को अब यहाँ सूट बदल दीजिए, प्ले इमेज रहेगा वैसे। दूसरा, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, सेड को प्रपोज कर देंगे, प्रपोज अब टू इसके साथ लगा, प्रपोज साथ भी टू लगेगी, टू हिज फ्रेंड दैट कर देंगे, फिर अस को जो है वी या दे के अनुसार, हाँ अस को आप मोहन के अनुसार बदलेंगे तो दे हो जाएगा क्योंकि मोहन एक वचन है, तो यहाँ कहीं भी ना सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन नहीं है तो दे कर देंगे। लेट का शुड, दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक।
अगला है कृष्णा सेड टू मोहन, लेट अस डिसाइड आवर कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। तो कृष्णा सजेस्टेड टू मोहन हो जाएगा, प्रपोज या सजेस्टेड कुछ भी कर सकते हैं दैट, फिर हम अस को बदलेंगे, कृष्णा का आंसर दे हो जाएगा, शुड डिसाइड देयर कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल, सब कुछ हो जाएगा। आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सम होली प्लेस, तो आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, सजेस्टेड साथ देखिए टू लगता है, उसके बाद दैट करके अस को बदलेंगे, आई के अनुसार आई तो लिखा नहीं जाएगा, वी आई का बहुवचन वी लिखा जाएगा, वी शुड गो आउट, गो टू, आगे सब कुछ वही रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है कि अस और वी का लफड़ा ये है कि अस अगर जैसे मतलब कोई कह दे, हरी ने कहा हम लेट अस प्ले ए मैच, हमें मैच खेलना चाहिए या आओ मैच खेलें, तो उसमें अगर हरी कहा है किसी से, आप सुने हो तो हम आप यही कहोगे कि हरी ने कहा कि उन्हें मैच खेलना चाहिए, तो उन्हें कहीं दे हो जाएगा हरी के अनुसार वैसे भी, लेकिन बाय चांस अगर कहीं देख जगह वी भी आपको मिल जाए, आज के मॉडर्न इंग्लिश में वी का भी प्रयोग होता है, ऐसे वाक्य में हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन दिया तब भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर है तो होता ही है, ऑब्जेक्ट भी अगर फर्स्ट पर्सन है तब भी हो सकता है, नहीं दिया तब भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए हरी प्रपोज दैट, यहाँ हम वी लगा दिए गए, परीक्षा में आपके ऑब्जेक्टिव भी आता है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं, कंपटीशन लेवल तक इस तरह से ही पूछा जाता है, देख जगह वी भी कर सकते हैं, सब सही है लेकिन देख जगह वी किया गया तो आप गलत उसको नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बात यह है कि भाई हरी ने कहा हम हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, तो हम ये भी कहें हरी ने कहा कि हमें क्रिकेट, अगर मान लीजिए तुम ही से कहा है तो यहाँ से टू मी हो जाएगा, नहीं हो गया, मुझसे कहा कि अगर मैं ही दूसरे से बताऊँगा तो वी का प्रयोग मैं कर सकता हूँ, इसलिए गलत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हर चीज़ सही है, दे का दे भी दे लेकिन नहीं मिल रहा तो वी लिखा गया तो भी आपको उस ऑप्शन को सही मानना पड़ेगा, क्लियर, सबकी रिपोर्टिंग पर सही है, सूट दिया गया सब कुछ दिया तो उससे गलती नहीं होगी, इसलिए दोनों हो सकता है, ये तो एक जनरल रूल बता दिया कि सब्जेक्ट के अनुसार पर्सन को हम बदल देते हैं, वी यदि में जैसे सामान्य रूल पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसमें लॉजिक क्या है मैं बता दे रहा हूँ, आप लूसेंट जनरल इंग्लिश पढ़ेंगे कंपटीशनल बुक है तो उसमें आपको सीधे सीधे बताया गया दोनों में कर सकते हैं, इन बस उसमें कहने वाला शामिल रहता तो वी का प्रयोग होता है, नहीं तो दे का मेन डिफरेंस यही है इसका फंडा। आगे देखते हैं, अब जैसे इसमें देखिए मोहन ने अपने दोस्त से कहा हमें मैच खेलना, तो हम दूसरे से कहेंगे तो मोहन और उनके दोस्तों को मिला कर देर लगाए ना, मोहन कहा तो अकेले थोड़ी ना टालने जाएगा, तो कम से कम ज़्यादा लोग ले जाएगा, तो इसलिए आज को भी ये दिन बदलते हैं, तो हम दूसरे से ही कहेंगे मोहन ने अपने दोस्त से प्रस्ताव किया कि उन्हें टालने के लिए जाना चाहिए। अब कृष्णा मोहन से कह रहा है लेट अस डिसाइड आवर कन्फ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल, अपना कन्फ्यूजन एक बार और हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए डिसाइड कर लें, निर्णय कर लें अपने कन्फ्यूजन के बारे में, तो हम यही कहेंगे ना कृष्णा ने मोहन को सुझाव दिया कि उन्हें हमेशा के लिए डिसाइड कर लेना चाहिए इस तरह से, क्योंकि कृष्णा का मोहन के तो दो लोग कम से कम हो गए, तो इसलिए आज का जो है दे ही किया जाएगा, वैसे भी कृष्णा का बहुवचन दे रहे दे है, क्यों, क्योंकि भाई कम से कम एक से ज़्यादा लोग ही रहेंगे तो हम उनकी बात को बताएंगे, दे कर देंगे, यहाँ वी नहीं कर सकते क्योंकि भाई दोनों थर्ड पर्सन है, तो दूसरे में भी हम वी नहीं कर सकते हैं, थर्ड पर्सन ही मिल रहे हैं, तो जब दोनों थर्ड पर्सन है तो कन्फर्म है दे लगेगा, नहीं तो आप कंडीशन के अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आई सेट मैं अपने दोस्त से कहा लेट अस गो टू सम माई होली प्लेस, अब यहाँ आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड हो गया, तो अब यहाँ अस को आई के अनुसार, आई मतलब मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ कि चलो किसी होली मानी पवित्र स्थान पर चले, और हम पवित्र स्थान, तो हम दूसरे से ये कहेंगे ना कि हम मैंने अपने दोस्त को सुझाव दिया कि हमें पवित्र स्थान पर चलना चाहिए, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ अपने दोस्त को भी कह रहा हूँ, मतलब दोनों को जाना चाहिए ऐसा मतलब मैंने उन्हें सुझाव दिया, क्योंकि अकेले जानना होता तो सुझाव उसे क्यों देना, तो इसलिए यहाँ वी का ही प्रयोग हम करेंगे, इस तरह से आप अर्थ के हिसाब से भी समझ सकते हैं। हाँ एक और बात जान लीजिए, यदि किसी स्वीकारात्मक सुझाव के उत्तर में लेट्स नॉट का प्रयोग हो, यानी लेट्स नॉट, लेट अस का नेगेटिव लेट्स नॉट का प्रयोग हो, तो इसे रिपोर्ट करने के लिए यानी सूचित करने के लिए ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट इट का ही प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टेड माने यहाँ होता विरोध किया, वाज अगेंस्ट इट माने इसके खिलाफ था, यदि उदाहरण लेट्स गो टू द जू, आओ चिड़ियाघर देखने चले, सेड मोहन, मोहन ने कहा आओ चिड़ियाघर देखने चले, लेट्स नॉट हमें नहीं चलना चाहिए, या जाने दो, इसका अर्थ होता है लेट्स नॉट माने हमें नहीं नहीं चलना चाहिए, यानी या जाने दो, सेड राधा, राधा ने कहा, तो मोहन जो है राधा से कहा कि लेट्स गो टू द जू, आओ चिड़ियाघर देखने चले, और राधा ने कहा लेट्स नॉट नहीं चलेंगे, ठीक है, या ठीक है या हमें नहीं जाएंगे।
अब देखिए इसका एंड आउट हम दूसरे से कैसे बताएंगे मोहन की बात को, तो हम ये कहेंगे ना मोहन सजेस्टेड टू राधा, मोहन ने राधा को जो है क्या सजेस्टेड किया, सुझाव दिया। पहले रिपोर्ट नंबर का सब्जेक्ट मोहन होगा, फिर सजेस्टेड या प्रपोज भी कर सकते थे टू करके लिखेंगे ऑब्जेक्ट भी, उसके बाद कंजक्शन दैट लगेगा। अब उसके बाद लेट्स के साथ लेट्स गो में लेट्स के साथ आस आया ना, लेट्स आस का ही शॉर्ट फॉर्म लेट्स है, तो इसलिए आस को हम दे कर देंगे क्योंकि मोहन और राधा दोनों थर्ड पर्सन, हम उनकी दोनों की बात दूसरे से बताएंगे तो दे का ही प्रयोग करेंगे ना। दे और लेट का शुड हो जाएगा, दे शुड गो टू द जू बट रात, इतना तो हो गया। लेकिन ये लेट्स नॉट के लिए क्या लगेगा, लेट्स नॉट अगर कहीं वाक्य आए तो इस तरह से एक वाक्य आप बना लिया करिए, तो उसके बाद बट करके अगला वाक्य जोड़िए, बट बट के बाद एक सब्जेक्ट आप लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, जिससे कहा जा रहा वही सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब मोहन कह रहा राधा से, सुनने वाले को ही ऑब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट अगले बनाएंगे बट राधा, उसके बाद ऑब्जेक्टेड यही कर दीजिए बस, आपको कुछ करना वरना नहीं है। अगर हाँ ऑब्जेक्ट इस तरह से ना करना चाहो तो आप मोहन सजेस्टेड टू राधा दैट दे शुड गो टू द जू, ये सब कुछ जू तक लिख दीजिए, बट के बाद यहाँ सब्जेक्ट भी वही लेंगे। ऑब्जेक्टेड ना लिखना चाहो तो ऑब्जेक्टेड की जगह वाज अगेंस्ट इट भी कह सकते हो, लेकिन राधा ने इसका अर्थ किया होगा, लेकिन राधा ने विरोध किया, ऑब्जेक्टिव माने विरोध करना या आपत्ति करना, आपत्ति कर दिया, जैसे ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्शन बना है इसे आपत्ति कर रहे हैं, तो वाज अगेंस्ट इट का भी अर्थ है राधा इसके खिलाफ थी, यानी कि इस पर आपत्ति कर दी, इस तरह से निगेटिव का होता है लेट्स नॉट। अगला है प्रार्थना, प्रार्थना वाले वाक्य का कैसे बनाया जाएगा, देखिए यदि लेट वाले वाक्य से किसी अन्य से किसी काम को करने की अनुमति मांगने के लिए प्रार्थना का बोध हो तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाने में निम्नलिखित नियम है, देखते हैं क्या नियम है। रिपोर्टेड वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, यानी कि सेड या सेटो को रिक्वेस्ट में बदल दो, और दूसरा नियम एक और नियम है, इसका दो नियम है, लेट को टू लेट में चाहे तो बदल दो, ठीक है। हाँ तो पहली बात तो नहीं, हाँ रिक्वेस्टेड में बदलोगे तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, लेट को टू लेट में बदलोगे तो जान लीजिए टू कंजक्शन हो गया, लेट आपको वर्ब ही हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या तरीका है, रिक्वेस्टेड फिर उसके बाद टू लेट ये करना, या फिर लेट को टू लेट में ना बदलना चाहो तो आपको दूसरे नियम से बनाना पड़ेगा, टू कंजक्शन नहीं लगेगा तब लेट के स्थान पे दैट लगा दो, पहले कॉमन नोट कॉमन टाइप दैट लगाओगे, फिर नाउन या प्रोनाउन लिखोगे, लेट के बाद जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसको लिखोगे, फिर माइट बी अलाउड टू आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा लेट को, यानी कि माइट बी अलाउड टू में बदलना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो रहेगा उसके साथ वैसे जो उदाहरण देखिए, ही सेड टू हिज ऑफिसर वो अपने अधिकारी से कहा लेट मी गो होम मुझे घर जाने दो, तो हम दूसरे से ये कहेंगे ना ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर वो अपने अधिकारी से रिक्वेस्टेड माने प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया, टू लेट हिम गो होम, मी का हिम हो जाएगा टू लेट हिम गो होम कि उसे घर जाने दें, तो यहाँ बहुत सरल है, सेड टू को रिक्वेस्टेड कर दिया टू से कर दिया, लेट मी का जो है कि अनुसार हिम हो गया गो होम, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट, अब देखिए हिम का ही हो गया माइट बी अलाउड टू, ठीक है माइट बी अलाउड टू गो होम, अब यहाँ क्या है कि देखिए दैट कंजक्शन लगा टू लेट में ना बताना, तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट कहाँ से पाओगे, जो लेट के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा ना मी, उसी को मी का सब्जेक्ट आई होगा, अब आई को सब्जेक्ट को ही कम सर बदलोगे तो ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए लेट को हम टू लेट में नहीं जब बदलेंगे दैट लगा देंगे तो तब लेट के लिए हम माइट बी अलाउड टू आपको लिखना पड़ेगा, जैसे इसके पहले वाले में लेट को सुन बदलते थे ना प्रस्ताव वाले में, यहाँ माइट बी अलाउड टू में बदल दोगे, उसके बाद जो है अलाउड टू टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ जो मी के बाद रहेगी को वही फर्स्ट फॉर्म उसके साथ जो भी है लिख देंगे, ठीक है। नोट देख लीजिए इसका अर्थ भी बता देना रिक्वेस्ट का, तो इसी उसने अपने ऑफिसर से अपने को घर जाने देने की प्रार्थना की, दूसरे का अर्थ तो का हिंदी होगा ये रिक्वेस्टेड इज ऑफिसर, उसने अपने अधिकारी से प्रार्थना किया दैट की ही माइट बी अलाउड टू गो होम कि वह घर जाने की कि उसे घर जाने की अनुमति चाहिए, दैट मैंने की या दैट का एक अर्थ होता है ताकि, वही अर्थ ले लेंगे, या जिससे कि उसने अपने अधिकारी से प्रार्थना किया ताकि ही माइट बी अलाउड उसकी उसको अनुमति हो सके टू गो होम घर जाने, ताकि उसे घर जाने की अनुमति हो सके, इस तरह से ताकि है जिससे कि वैसे सो दैट माने ताकि होता, लेकिन ऐसे वाक्य में दैट का माने ही हो जाएगा ताकि है जिससे कि उसे घर जाने की अनुमति। नोट देख लेते हैं, यदि प्रार्थना या सलाह लेट देयर बी से प्रारंभ होती से दैट देयर शुड बी से ही रिपोर्ट किया जाएगा, यानी प्रार्थना का लेट देयर बी से अगर हो जाएगी तो दैट देयर शुड बी से उसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक, यानी कि दैट कंजक्शन तो लगेगा ही, अब दैट के बाद देयर ये सब्जेक्ट रहेगा, लेट के बाद वाले को सब्जेक्ट बना देंगे, फिर उसके बाद लेट को शुड बदल देंगे, अब इस पहले कर देंगे। उदाहरण ही सेड उसने कहा लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस मेरे केस की कोई इंक्वायरी ना होने पर, अब यहाँ क्या है कि रिक्वेस्ट करेक्ट हो रहा है, उसने रिक्वेस्ट किया कि उसके मामले की कोई इंक्वायरी ना हो जाए,
ठीक है, ही रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना किया दैट माने ताकि ये, जिससे कि देयर शुड बी नो इंक्वायरी, कोई इंक्वायरी ना हो जाए, शुड माने जाए भी होता, कोई इंक्वायरी ना हो जाए या ना हो, इन टू हिज केस माने उसके मामले में, माई क्या हो जाएगा, ही कैन सॉरी, उसने प्रार्थना किया ताकि उसके मामले में कोई इंक्वायरी ना हो जाए, ठीक है, मतलब ना हो जाए, मतलब ना हो, ना होने पाए। तो इस तरह से यहाँ इतना जान लीजिए कि लेट देयर भी रहेगा तो रिक्वेस्टेड का या एडवाइज जो भी प्रकट होगी किया जाएगा, उसके बाद दैट लगेगा, दैट लगेगा तो देयर को पहले लिखेंगे, दैट के बाद फिर लेट को शुड में बदलेंगे, तब फिर बी का प्रयोग करेंगे, यानी कि दैट देयर शुड भी हो जाएगा, लेट देयर भी आएगा तो दैट देयर शुड भी का प्रयोग होगा, उसके बाद सब कुछ वही रहेगा, नो इंक्वायरी इनटू माई का ही जो है। दूसरा ही सेट उसने कहा लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, उसके बारे में कोई बात ना होने दो यार। इसमें कोई आदमी है, कोई अपने दोस्त को बता रहा है, कोई मित्र है, तो कह रहा है कि उसके बारे में कोई बात ना करो, उसकी कोई लड़की है या औरत है कोई, उसके बारे में कह रहा है ना बात करो। तो ये एडवाइस दैट, उसने सलाह दिया कि देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर, उसके बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए, बात ना करने की सलाह दी, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ एडवाइस का प्रयोग करिए, दैट देयर शुड बी। आगे आदेश का भी हम देख ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है आदेश वाले वाक्य। आदेश, यदि लेट वाले वाक्य से किसी को आदेश देने का भाव का बोध हो तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम निम्नलिखित हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल देते हैं, किसमें बदल देंगे, ऑर्डर में, आदेश रहेगा। और लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं, फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग करके वर्ब तथा अन्य शब्दों को लिख देते हैं। उदाहरण देखते हैं, यानी कि फिर से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, यानी कि लेट से अगर आदेश प्रकट होगा, अभी तक आप क्या समझे, लेट से प्रस्ताव प्रकट होता था, तो प्रस्ताव प्रकट होता था तो हम आपको बताए थे लेट के साथ आस आएगा। ट्रिक भी जान लीजिए कैसे क्या प्रकट होगा, अगर अर्थ नहीं जान पा रहे हैं। अगर प्रार्थना प्रकट होगा तो लेट के साथ अक्सर मी आएगा, क्या आएगा, मी। तो प्रार्थना जैसे लेट मी वो लेट मी रीड, मुझे पढ़ने तो, मुझे सुनने तो, मुझे जाने तो प्रार्थना किया जाता। अब देखिए, लेकिन अगर लेट के साथ ना तो आस आ रहा है ना तो मी आ रहा है, और यू आता नहीं लेट के साथ, लेट के साथ सेकंड पर्सन नहीं आता, या तो फर्स्ट पर्सन आएगा या तो थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में या तो अस आएगा या तो मी आएगा, ठीक है, क्योंकि वी और आई ये दो ही है। फर्स्ट पर्सन में तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस आएगा, मी आएगा, यू आता नहीं लेट के साथ, अक्सर नहीं आता यू, तो अब आएगा तो थर्ड पर्सन आएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन आएगा तो उससे आदेश प्रकट होगा। और एक बात जान लीजिए, थर्ड पर्सन या नाउन, नाउन को भी हमेशा थर्ड पर्सन ही मानते हैं, नाउन को भी हमेशा क्या मानते हैं, थर्ड पर्सन ही मानते हैं। नॉन या थर्ड पर्सन आएगा तो जान लीजिए आदेश प्रकट हो रहा है, अक्सर यही प्रकट होता है, बाकी तो अर्थ के अनुसार आप दूसरा प्रकट हो तो उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अगर कहना है कि ये आदेश प्रकट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, ऑर्डर में बदल देंगे। यदि लेट वाले वाक्य से आदेश देने का भाव बोध हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब माने वही सेड या सेड टू को, ठीक है, सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदल देते हैं। लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं, यानी कि दैट कंजक्शन लगा देंगे। फिर नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे के बाद शुड का प्रयोग करके, नाउन या प्रोनाउन मतलब वही लेट के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे, फिर शुड का प्रयोग करके वर्ब, यानी वर्ब की जो शुड के साथ काम लगनी चाहिए, फर्स्ट ही लगती है तो फर्स्ट लिख देंगे, और अन्य शब्द जो भी हैं उसके साथ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अदरवर्ब लिख देंगे। उदाहरण देख लेते हैं, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लास, द ऑफिसर ने अपने अधिकारी से कहा दैट लेट नो वन कम लेट। तो यहाँ सेड टू को क्या अधिकारी क्लर्क से कह रहा है किसी को लेट ना आने दो, तो आदेश दे रहा, तो ऑफिसर सेड टू को ऑर्डर कर दिए हिज क्लास, दैट कर दिएगा, दैट के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखा जाएगा लेट के बाद वाला, तो नो वन माने कोई व्यक्ति नहीं, ये सब्जेक्ट बना दिएगा दैट के बाद, उसके बाद लेट को सूट कर दिएगा कम लेट, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा अधिकारी ने क्लर्क को आदेश दिया कि कोई लेट नहीं आना चाहिए, तो लेट का चाहिए भी होता है, इस तरह से सूट कर दिएगा। हाँ, लेकिन एक आपको और सरल तरीके बता दे रहे हैं, यही इस किताब में भले नहीं बताया गया, लेकिन आप जनरल इंग्लिश इंटरमीडिएट की ही देखेंगे, हरिगोविंद सिंह की, और भी उसके अलावा भी और प्रकाशन है लूसेंट वगैरह में भी हैं काफ़ी किताबों में, तो आपको इसको बताया भी लेट को टू लेट में भी बदल सकते हैं, जैसे रिक्वेस्टेड वाला नहीं दैट से भी बना सकते थे, टू लेट से भी उसी तरह से लेट आदेश वाला भी बना सकते थे। यही वाक्य हम बता दे रहे हैं, सरल तरीका है, तो द ऑफिसर हो जाजाएगा उस तरीके से, सेड का रिक्वेस्टेड हिज क्लर्क्स, क्लर्क्स के बाद टू लेट कर देंगे, टू लेट नो वन कम लेट, एकदम सरल तरीका है, ठीक है। तो दूसरा तरीका जो बताया गया रिक्वायर, हाँ परीक्षा में आपको किसी तरह से आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए दोनों तरीके में बता रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, चाहे जैसे घुमा के चाहे जिस किताब से पूछे दिक्कत ना। एक ही पढ़ा रहा हूँ एक्सीलेंट, क्योंकि सबसे अच्छी यही किताब इस समय यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए,
बाकी जो और भी किताबों में दिया गया है, क्योंकि मैं सारी किताबों की स्टडी कर चुका हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं उनसे भी बता देता हूँ जो रूल्स यहाँ इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो द ऑफिसर रिक्वेस्टेड इज कलर्स, उसके बाद टू लगा देंगे, टू आगे सब कुछ वही रहेगा। ये भी सही है, आप इसका अर्थ होगा ऑफिसर ने किसी भी क्लर्क को लेट ना आने देने के लिए सॉरी आदेश दिया, ऑर्डर, सॉरी हम रिक्वेस्टेड कर दिए, ऑर्डर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर देखिए यही है रिपोर्टिंग का पेज है, दी ऑफिसर ऑर्डर इज क्लर्क्स, यही आप टू कर देंगे, बाकी दैट वाला ना लिखना चाहो तो बाई चांस आप भूल गए दैट वाला रूल, तो आप टू लगा के काम चला लेंगे, आदेश और प्रार्थना दोनों में लगेगा, बाकी लेट अस वाले में हमेशा दैट लगेगा, ये चीज़ आपको जानना है, अगर अपने मन से करो, नहीं तो आप ऑब्जेक्टिव दिया है तो जिस तरह से वो जिस रूल से हल किया उसी हिसाब से आप उसको देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ सही है तो सही, ठीक है। आगे है डायरेक्ट में द किंग सेड, राजा ने कहा लेट द माइंड बी सेट फ्री, आदमी को स्वतंत्र हो जाना चाहिए, आदमी स्वतंत्र हो जाना चाहिए, स्वतंत्र कर देने का आदेश दिए हैं राजा, किसी बंदी को बंदी बनाया गया तो सेट को ऑर्डर कर दिएगा, सीधी सी बात है, लेट का दैट कर, हाँ कंजक्शन दैट लगेंगे, दैट के बाद नाउन या प्रोनाउन, इसमें तो प्रोनाउन था, नोन वन इंडिफिनिट प्रोनाउन था, लिख दिया गया, लेकिन यहाँ नाउन है तो नाउन को आप नाम यहाँ बना दीजिए, लेट द मैन, उसके बाद लेट ऑर्डर दैट द मैन, दैट द मैन आदेश दिया राजा ने कि आदमी, लेट का आप शुड बनाएंगे सब्जेक्ट के बाद शुड, उसके बाद बी देखिए वर्क फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे, सेट फ्री शुड बी सेट फ्री, माने स्वतंत्र हो जाना चाहिए, युवा के पास युवास में, इसलिए शुड बी के साथ सेट, सेट भी वर्क की थर्ड फॉर्म है, सेट 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 उसको तीनों फॉर्म सेट है, तो वही स्पेलिंग है, राजा ने आदेश दिया कि आदमी स्वतंत्र हो जाना चाहिए, ये भी सही है। हाँ लेट वाले तरीके से भी मैं बता दे रहा हूँ, टू लेट वाले, द किंग ऑर्डर, अगर बाई चांस आप किताब में ऑर्डर दैट नहीं लगाया है तो ऑर्डर के बाद यहाँ टू लगा दें, ऑर्डर टू लेट द मैन बी सेट फ्री, ये भी 100% सही है, इस तरह से आपको ये सब भी जानना चाहिए। हाँ ये एक्सरसाइज को कर लीजिए, इसकी वीडियो हम जल्दी अपलोड कर देंगे, आप मिला लीजिएगा, ठीक है, आज आज से ही कल तक ही अपलोड हो जाएगी, ठीक है, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपका कोर्स ताकि फटाफट पूरा हो, फिर उसके बाद हम तुरंत आप अपडेट टू सेंटेंस की आपको रूल्स बता देंगे, फिर एक्सरसाइज करा देंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 एक्सीलेंट की बुक से इनफिनिटू का प्रयोग पढ़ते हैं। ये सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इनफिनिटू के द्वारा कैसे बनाया जाता है उसको हम नियम देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। इसके पहले हम पार्टिसिपल आपको बना चुके हैं और आज इनफिनिटू के बारे में बताएंगे। इसकी वीडियो भी आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज भी मिलेगी, बाकी से आप सर्च करेंगे तो एक्सरसाइज अपलोडेड भी हैं, फिर दोबारा आपको नए सिरे से मिल जाएगी। पिछले साल भी हम पूरा इसका वीडियो हर रूल के ऊपर बना चुके हैं, इसलिए आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। इसके अलावा मैं जो प्रीवियस ईयर में आया सारे क्वेश्चंस जो है उसको भी रूल बताने के बाद कवर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज भी आपको जो बची हैं वो भी मिलती रहेंगे। तो इसलिए चलते हैं रूल देखते हैं। क्रिया में टू जोड़कर इन्फिनिटू बनाया जाता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में ना ने ने आता है, तो यानी कि इन्फिनिटू किसे कहते हैं, टू प्लस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसी को हम इन्फिनिटू कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है, हिंदी में ना शब्द है, जैसे टू गो माने जाना, ठीक है, ना नी ने आएगा, जैसे मुझे कोशिश करनी है तो नहीं आ गया, वह पढ़ने के लिए आया तो नहीं आ गया, तो वह पढ़ना चाहता ना आ गया, तो ना नी ने ये कोई भी आएगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की हिंदी में, तो उसको हम इन्फिनिटू कहते हैं। तो इन्फिनिटू के द्वारा वाक्य को जोड़ते समय एक वाक्य के फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं, दूसरे या अन्य वाक्यों के फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटू में बदल देते हैं। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब में होता है समाप्त क्रिया, जिसको आप मेन वर्ब कहते हैं उसी को फाइनाइट वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया। तो आप इतना सिंपली जान लीजिए, फाइनाइट वर्ब मतलब मेन वर्ब। तो मतलब दो वाक्य जब जोड़ेंगे तो एक वाक्य को हम इन्फिनिटू बदल देंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में, अगले वाक्य को सेम टू सेम रहने देंगे। उद्देश्य या फल दिखाने वाली फाइनाइट क्रिया को इन्फिनिटू बदलते हैं। किसको बदलना इन्फिनिटू में बेटर होगा, जिस क्रिया से उद्देश्य या फल दिखाए, मतलब जिसमें इच्छा या उद्देश्य प्रकट हो या रिजल्ट प्रकट हो। तो इसमें मुख्य रूप से चार चीज़ें, इच्छा या उद्देश्य, समर्थता, असमर्थता, ये सारी चीज़ें प्रकट होती हैं। तो देखते हैं इसका सेपरेट वाक्य, सेपरेट मतलब अलग, फिर इसके बाद जुड़ा हुआ है। मान लीजिए ही टू किल नाइफ, वह एक चाकू लिया। ही वांटेड टू किल द हैन, वह मुर्गी को मारना चाहता था। तो मान लीजिए हम इसको कैसे जोड़ के कहेंगे कि वह मुर्गी को मारने के लिए एक चाकू लिया। ही टुक ए नाइफ, पूरा हम ले लिए। उसके बाद वांटेड टू किल द हैन, वह मुर्गी को मारना चाहता था, तो ये मुर्गी को मारना उसका उद्देश्य है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से जोड़ते हैं। ही वांट टू के नाइफ टू किल द हैन,
आप इसको सिंपली ऐसे कहेंगे तो आप पहले वाक्य में ही है तो दूसरे में ही है तो ये हट जाएगा, क्योंकि एक ही वाक्य का सब्जेक्ट हम लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट एक होता है, मेन वर्ब एक होता है। वांटेड भी हट जाएगा क्योंकि टू प्लस किल, यहाँ एक मेन वर्ब लिखे तो इसको लिख नहीं सकते हैं, इन्फिनिटिव से लिख सकते हैं। तो ही वांटेड टू किल द हेन, और हिंदी में भी जोड़ने पर वह मुर्गी को मारने के लिए एक चाकू लिया, इस तरह से हम कहेंगे। अगला, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, वह बहुत कमज़ोर है, वह चल नहीं सकता। तो इसमें क्या है कि असमर्थता बताई जा रही है। तो इसका एक रूल सुन लीजिए, क्योंकि एक्सीलेंट में आपको सारे रूल्स नहीं मिलेंगे एक बुक में, तो तमाम सारी किताबें हैं तो मैं सारी किताबों को स्टडी किया हूँ, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको चाहे जो भी वाक्य रहेगा वो किस रूल से बना है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रैक्टिस से भी आपको आ जाएगा। वह बहुत कमज़ोर है, वह चल नहीं सकता, तो आप इसको जोड़ोगे तो कैसे कहोगे, वह बहुत कमज़ोर है, वह चल नहीं सकता, असमर्थता बताइए रे। तो इसमें होता क्या कि रूल क्या है हमारा, बेरी एक वाक्य में बेरी है, दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट है, तो बेरी को हम टू में बदल देते हैं, तो इसलिए ही इज़ टू वीक हो गया। फिर उसके बाद टू का प्रयोग करके अगले वाक्य से वर्ब को लिख देते हैं टू वॉक, और ये सब्जेक्ट और कैन नॉट या कुड नॉट हट जाता है, तो ही इज़ टू वीक टू वॉक, इसका अर्थ होगा वह टू मतलब उतना जितना नहीं होना चाहिए, नकारात्मक अर्थ जब देता है टू, टू के बाद तब एडजेक्टिव आता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ टू का अर्थ उतना जितना नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा इसका वह टहलने के लिए उतना कमज़ोर है जितना नहीं होना चाहिए, या इसको ऐसे भी कहते हैं कॉम्प्लेक्स में कि वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता या टहल नहीं सकता। तो यहाँ टहलने के लिए तो टू आ गया, ठीक है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, उतना जितना नहीं होना चाहिए, उतना कमज़ोर जितना नहीं होना चाहिए, टू वीक उसकी अंग्रेजी हो गई। अगला, ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है, ही हैज़ गॉन टू आगरा, वह आगरा गया है, तो हम इसको ये कहेंगे वह पढ़ने के लिए आगरा गया है, या स्टडी में पढ़ना या अध्ययन करना, तो ही हैज़ गॉन टू आगरा टू स्टडी, तो दूसरे वाक्य को पहले लिख देंगे टू स्टडी बाद में आ रहा है, क्योंकि हिंदी में हमारे आ रहा ना वह पढ़ने के लिए आगरा गया है, तो ही हैज़ गॉन टू आगरा टू स्टडी। अगला वाक्य है, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, आई शैल लिव देयर, मैं कलकत्ता के लिए, लिविंग फॉर माने तो रवाना होना, मैं कोलकाता के लिए रवाना हो रहा हूँ, आई शैल लिव देयर, मैं वहाँ रुकूँगा, तो हम यही कहेंगे कि मैं कलकत्ता के लिए वहाँ रुकने, कलकत्ता में रुकने के लिए रवाना हो रहा हूँ, लिव फॉर मतलब रवाना हो, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, मैं कलकत्ता के लिए रवाना हो रहा हूँ, टू लिव देयर, वहाँ रुकने के लिए, मैं कलकत्ता में वहाँ रुकने के लिए रवाना हो रहा हूँ, इस तरह से हो गया, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर, यहाँ देर नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव, मैं कलकत्ता में रुकने के लिए लिव्स रहने के लिए रवाना हूँ, तब भी चल जाएगा। अगला है, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो बुक बहुत कठिन थी, वह समझ नहीं सकती थी। तब इसमें क्या है कि द बुक वॉज, देखिए बेरी को टी डबल ओ में बदला जाएगा, बताए थे अभी, और फार हर लगा दिया गया, फिर टू अंडरस्टैंड, तो कैन नॉट या कुड नॉट को हटा दिया जाता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, सी आया है यहाँ पहले में, तो निर्जीव सब्जेक्ट है बुक, दूसरे में सी है, तो दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, तो इसलिए सी क्या है आपका जो है सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम अगर पहले का निर्जीव रहता दूसरे वाक्य में ही या सी ये सब रहता तो हम फार के साथ उसको लिख देते हैं, उसी का ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं, क्योंकि फार एक प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट ही हमेशा आता, तो इसलिए सी का ऑब्जेक्ट यहाँ हर लिख देंगे, अगर यहाँ ही होता तो हिम लिख देते, दे होता तो देम लिख देते, ये ग्रामर का ये भी रूल है, आप जान लीजिए कि पहले वाक्य देखिए यहाँ इसके पहले जो था टू वाला, तो ही दोनों में था तो इसलिए टू से जोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ क्या है किताब उसके लिए समझने के लिए उतना कठिन थी जितना नहीं होना चाहिए, ऐसे कहेंगे ना कि हिंदी जोड़ेंगे तो यही कहेंगे किताब बहुत कठिन थी वह समझ नहीं सकती थी, तो हम ये कहेंगे किताब उसके लिए समझने को उतना कठिन थी जितना नहीं होना चाहिए, द बुक वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हर, तो उसके लिए आ रहा है जोड़ने में, तो इसलिए फार प्रीपोजिशन लगा देंगे, सी का ऑब्जेक्टिव हर लगा देंगे, तो इतना ध्यान दे दीजिए, पहले में निर्जीव है दूसरे में कोई सजीव सब्जेक्ट है तो फार के साथ उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं। अगला, अब देखिए इसके बाद जो है आपको एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज आप इसको जो है आप मिल जाएगी आपको सर्च करेंगे तो, बाकी आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स के बाद आपको अगली वीडियो में मिलेगा, बाद में हम आपको सभी वीडियो का एक मास्टर वीडियो बना देंगे सभी सिंपल सेंटेंस का, ताकि आप उसको बाद में रिवीजन कर सकें, और उसके बाद क्योंकि हम जल्द से जल्द एक्सरसाइज का हल कराने वाले हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की जो सारी पूछे हैं सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, ज़्यादा डिमांड उसकी आ रही है, इसलिए मैं पहले उसको बनाऊँगा, और इसके बाद ये एक बार हम अपलोड भी करिए हैं, आप जल्दी पढ़ना चाहते तो इसको डायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर टू इन्फिनिटिव सर्च करेंगे तो तुरंत आ जाएगा चैनल के नाम से,
ठीक है, बाय रमेश सर या बाय आर्यम इंग्लिश क्लासेस सूरपन, ठीक है। फिर बाद में मैं इसको रिपीट भी करूँगी एक तरफ से, फिर क्रम वाइज करूँगा, जो नहीं भी अपलोड किया हूँ उसको भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नामलेट टू एब्सोल्यूट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाना पढ़ते हैं। जैसा कि इसके पहले आपको पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना पढ़ा चुके हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। पेपर में आपके दो वाक्य आ जाएगा, कह देगा सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। कब करते हैं देखते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है स्वतंत्रकर्ता, स्वतंत्र कर्ता, यानी स्वतंत्र कर्ता का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है, तो इसलिए इसका नाम स्वतंत्र कर्ता है। यह पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है, ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव वाक्य के वर्ब पर नहीं पड़ता, क्योंकि यह ना तो किसी फाइनेट वर्ब का कर्ता होता ना ही कर्म का। मतलब ये अब स्वतंत्र कर्ता है, ये इसका मतलब वाक्य के वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इसके अनुसार वर्ब लगा, ठीक। तो मुख्य कर्ता तो कुछ और ही रहेगा, ये स्वतंत्र कर्ता है। तो ये इस तरह से एब्सोल्यूट, ठीक है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का भी प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि ये वर्ब पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको मुख्य क्रिया का कर्ता नहीं मानते हैं। मुख्य क्रिया का जो कर्ता होगा उसको हम मेन कर्ता मानते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में मुख्य क्रिया का केवल एक कर्ता होना चाहिए, इसका तो कोई मुख्य क्रिया रहती नहीं, तो इसलिए मुख्य क्रिया का कर्ता है नहीं, स्वतंत्र कर्ता, इसलिए इसको हम सिंपल सेंटेंस मानते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, द सन हैविंग सेट, सूर्य अस्त होने के बाद, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, आकाश में तारे दिखाई पड़े। तो यहाँ द सन हैविंग सेट, हैविंग सेट सन, ये नहीं है कि मतलब मेन वर्ब नहीं है इसमें कि सन के उसके सन के अनुसार ये लगा, ये हैविंग सेट लिखा ही जाएगा, ठीक है। तो सूर्य अस्त होने के बाद ये पूरा एब्सोल्यूट फ्रेज का काम कर रहा है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का एक फ्रेज है, ठीक है। तो ये स्वतंत्र करता है, इसलिए सन को हम हटा ही नहीं सकते। द स्टार्स केम अप इन द स्काई, द मीटिंग बीइंग ओवर, मीटिंग समाप्त होने के बाद, ऑल द मेंबर्स लेफ्ट द हॉल, सभी मेंबर्स जो है हॉल को छोड़ दिए। तो ये एब्सोल्यूट कर्ता से संबंधित पूरे शब्द हैं जो फ्रेज का काम कर रहे हैं, इसलिए इनमें सब मुख्य कर्ता द स्टार्स, ऑल, ये सभी हैं, ये मेन वर्ब हैं लेफ्ट और केम। तो फिलहाल ये तो वाक्य का प्रारूप था, वाक्य जोड़ना आगे देखते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में सन तथा मीटिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हैं, ये सन के साथ जो है देखिए और मीटिंग है, इन दोनों के साथ ये हैविंग सेट या बीइंग ओवर, ये मतलब ये पार्टिसिपल हैं। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ आता है, पार्टिसिपल में आता है, बीइंग पार्टिसिपल में भी आती है, ये पार्टिसिपल हैं, इन कर्ता के साथ लगा दिए जाते हैं, तो हम इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं, स्वतंत्र कर्ता कहते हैं, क्योंकि इनको हटा नहीं सकते हैं। सन इसमें और स्टार्स द मीटिंग ऑल, ये दोनों वाक्य के कर्ता अलग अलग हैं, तो इसलिए हम किसी को हटा नहीं सकते, कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे वाक्य को जोड़ने के लिए एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के साथ किसी पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम डिटेल में देखते हैं कैसे, मतलब इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, देखते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब होता है जब प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट एक ही ना होकर अलग अलग होते हैं, यानी कि शर्त यही है कि सब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए। दूसरे उन वाक्यों के वर्ब से ऐसा मालूम होता है जो कार्य एक दूसरे के बाद होते हैं, उनके बीच एक प्रकार का कॉजल रिलेशन यानी कारण और उसके परिणाम का संबंध होता है। सिंथेसिस करते समय जो वाक्य जो कार्य पहले हों उसके कर्ता को पार्टिसिपल में रख देते हैं। तो आप इसमें फिर से सुन लीजिए नियम जो मैं बता रहा हूँ। नॉमिनेटिव सेल्यूट के एब्सोल्यूट का प्रयोग तब होगा जब दोनों के कर्ता अलग अलग हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए वाक्य जो दिया है, द सनसेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, सूर्य इसका सेट का कर्ता है, स्टार्स केम का कर्ता है, तो अलग अलग हैं। अब एक बात यह भी ध्यान रखें, पहले का कर्ता तो अलग अलग, पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे में सब्जेक्ट भी नहीं रहता, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी नहीं रहता, जबकि आप पार्टिसिपल में पढ़े थे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप पार्टिसिपल में जब पढ़े थे, देखिए यहाँ रूल आपको दिया गया था, ठीक है, जैसे आई सा आई रमेश शिवाज बीपिंग एबिजिंग, तो इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें रमेश, इसमें ही सब्जेक्ट का काम कर रहा था, इस तरह का भी, लेकिन पार्टिसिपल में नहीं, मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में इस तरह का भी बात नहीं रहेगा कि ऑब्जेक्ट उसमें सब्जेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से इसका रूल, मेन रूल ये है कि जब दोनों के कर्ता अलग हों, पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे में सब्जेक्ट भी ना हो, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। इसमें केवल वर्ब में चेंजिंग करते हैं, बाकी कुछ नहीं चेंजिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ सनसेट का हैविंग सेट हो जाएगा, सूर्यास्त होने के बाद, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, रूल देख लीजिए नीचे दिया, उपर्युक्त वाक्य में पहले सूर्य का अस्त होना, उसके बाद सितारों का आकाश में निकल जाना,
इसलिए पहले वाक्य के कर्ता सन को पार्टिसिपल हैविंग सेट के पहले रखा गया, अर्थात सम को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर दिया गया। जब कर्ता के साथ हम पार्टिसिपल लगा देंगे तो यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाता है, कर्ता पर तब वर्ब पर इसका कोई कर्ता का प्रभाव नहीं पड़ता तथा दूसरे वाक्य को उसी तरह रहने दिया जाता। इसका रूल पहले नीचे दिया गया, यहाँ से देख लीजिए आप, अच्छे समझ में आ जाएगा। तब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल क्या है, देखिए दोनों के कर्ता स्वतंत्र रहते हैं, केवल वर्ब में चेंजिंग किया जाता है। तो वर्ब में कैसे किया जाता है वही समझ लेना। जब वाक्य की क्रियाओं में इज एम आर वाज वर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं होता तो सब्जेक्ट के बाद बींग लगा देते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, बींग लगा देते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग एक्टिव वॉइस में करते हैं, हैविंग बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में, यानी तीन ही प्रकार से आपको बदलना है। अगर वाक्य एक्टिव वॉइस में दिखाई पड़े हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और इन दोनों के अलावा इज एम आर वाज वर का प्रयोग कभी मुख्य क्रिया के रूप में इनके साथ मुख्य क्रिया ना हो, यानी कि ये सहायक क्रिया के रूप में ना हो, तो इनके साथ कोई सहायक क्रिया ना हो। देखिए इज एम आर वाज वर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं हो तो सब्जेक्ट के बाद बींग लगा। सहायक क्रिया के रूप में ना होने का मतलब क्या है कि जब इनके साथ आईएनजी फॉर्म आएगी तो ये सहायक क्रिया के रूप में रहेंगे, ठीक है, या थर्ड फॉर्म रहेंगे तब भी सहायक क्रिया के रूप में रहेंगे, लेकिन ना तो इनके साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है ना तो आईएनजी फॉर्म आना है, यानी कि अलग से कोई मेन वर्ब आ ही नहीं रहा। तो अगर देखिए सहायक क्रिया किसे ठीक है, सहायक क्रिया किसे कहते हैं, जब जिस जो क्रिया टेंस बनाने में सहायता करते उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो सहायक क्रिया के साथ मेन वर्ब जरूर आती है, तो जब मेन वर्ब इनके साथ नहीं आएगी तो ये सहायक क्रिया नहीं होंगी, जब सहायक क्रिया नहीं होंगी तो इनको हम बींग में बदल देते हैं। उदाहरण से देखते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। द पुलिस अराइव्ड, द डकैट्स रन अवे, पुलिस आया चोर भाग गए। तो यहाँ पुलिस सब्जेक्ट है, अराइव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो एक्टिव वॉइस में, तो इसलिए आपको क्या करना है, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, पहले वाक्य जो कार्य पहले होगा उसी को वर्ब केवल आपको बदलना है, बाकी कुछ करना होना नहीं, सब अपने जगह ही रहेंगे, कर्ता अपने जगह रहेंगे, कामा करके दूसरे वाक्य को लिख देंगे। तो द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द डकैट्स रन अवे, पुलिस के आने के बाद चोर भाग गए। तो इस तरह से इसमें क्या है, पुलिस अब यहाँ दोनों कर्ता अलग अलग थे, हैविंग अराइव्ड कर दिए गए, तो ये पुलिस का आना कारण है, डकैट्स रन अवे कारण, पुलिस के आने का परिणाम है। तो इस तरह से पहले में कारण, दूसरे में परिणाम बताया जाता है, और एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा काम होता है। दूसरा देखिए, द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, वी इंजॉयड इट वेरी मच, पिक्चर रुचिकर थी, तस्वीर हम इसका बहुत अधिक आनंद लिए। तो यहाँ देखिए वाज के साथ इंटरेस्टिंग जो लगा है, इंटरेस्टिंग को आप मेन वर्ब मत मानिएगा, ये एडजेक्टिव है, इंटरेस्टिंग माने होता है रुचिकर, जैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, रुचिकर कहानी, तो ये आपका एडजेक्टिव है, तो इसलिए वाज को बींग में बदल दिया गया, तो यहाँ वाज सहायक क्रिया के रूप में नहीं है, ठीक। देखिए यहाँ दिया इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं हो तो बींग लगा देते सब्जेक्ट को, तो ये बींग इंटरेस्टिंग सहायक क्रिया नहीं है, एडजेक्टिव, इसलिए यहाँ बींग लग गया। अगला वाक्य है, द टीचर वॉज एबसेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क, तो यहाँ एबसेंट भी आपका नाउन नहीं, वर्ब नहीं है, तो एबसेंट माने अनुपस्थित, ठीक है, तो ये भी एडजेक्टिव है, जैसे एबसेंट स्टूडेंट, अनुपस्थित विद्यार्थी, तो ये भी एडजेक्टिव है, तो इसलिए वॉज को बींग में लगा दिया गया। द टीचर बींग एबसेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क, अध्यापक के अनुपस्थित होने के नाते या होने के कारण लड़के काम नहीं किए। द सन रोज, द बर्ड्स बिगन टू फ्लाई, सूर्य निकला, चिड़िया उड़ने लगी। तो द सन हैविंग राइजन कर देंगे, क्योंकि सन सब्जेक्ट है, इसके बाद सेकंड फॉर्म पॉजिटिव इन्फिनिटिव टेंस है, तो हैविंग राइजन, द वर्ड्स बिगन टू स्काई, बिगन टू फ्लाई। अब देखिए द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेट, अब यहाँ देखिए वाज के साथ किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज साथ आती है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस है, तो वाक्य पैसिव वॉइस में है, कोई जरूरी नहीं पैसिव वॉइस में हमेशा बाय प्लस ऑब्जेक्ट भी है, नहीं या भी आ सकता है, तो इसलिए द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी फ्लेड, कप्तान के मारे जाने के बाद सेना भाग गई, फौज भाग गई। जब ये नहीं पता है कौन मारा है तो आश्वस्त करता है तो नहीं लिखा जाता बाइक साथ, तो ये पैसिव वॉइस में है, वॉइस साथ थर्ड फॉर्म, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक, अब कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद आप इसको एक्सरसाइज को कर लीजिएगा, बाद में एक्सरसाइज भी इसको मिलवा देंगे, ठीक है, अभी रूल्स बता रहे हैं, तो इसलिए आप करते रहिए, सीखते रहिए सारी वीडियोज़, और इसके पिछले साल भी हम हर नियम के ऊपर एक एक एक्सरसाइज अपलोड किए, आप सर्च करेंगे तो अभी भी आपको मिल जाएगा, बाकी तो पूरा रिवीजन सीरीज चल रही है। अब की बार रूल सहित बताया जा रहा, पिछली बार केवल एक्सरसाइज, एक एक एक्सरसाइज बताया गया था, अब की बार सब एक्सरसाइज बताए जाएंगे प्लस रूल्स, इसलिए आप सर्च करके देख सकते हैं, फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही अपलोड करूँ ये आपको सीरियल से पूरा एक्सरसाइज भी मिल जाए और रूल्स भी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज जीरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो जीरंड या नाउन इन दोनों के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करने से भी सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। इसके पहले हम आपको तीन रूल बता चुके हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, इनके द्वारा बनाना। अगर वो नहीं देखे तो आप उसको भी वीडियो को देख लीजिए। अब देखिए, जीरण बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना चाहिए। हिंदी में अर्थ निकालने पर इसमें भी क्रिया के अंत में नाने नहीं आता, जैसे इन्फिनिटिव में हिंदी निकालने पर नाने नहीं आता, जैसे पढ़ना, कोशिश करनी है, पढ़ने के लिए गया तो नानी नहीं आता है, लेकिन जीरण में भी आता है। तो अंतर क्या है, वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से, इन्फिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से रहता है और ये जीरण जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव और आईएनजी फॉर्म को जीरण कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म से पहले टू तो इन्फिनिटिव, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो जीरण। तो वाक्य को कैसे जोड़ा जाएगा इसको देख लीजिए। इसमें करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए रूल, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे जब दो वाक्य को हम जोड़ेंगे तो दोनों में दो मेन वर्ब रहेगा, तो एक वाक्य की वर्ब को जो है अर्थ के अनुसार, एक वाक्य की वर्ब को जिसमें जिसके जोड़ने में नाने नहीं आ रहा है, उसको आप जीरण में बदल दीजिए। किसमें, जीरण में। अगर जोड़ने में नाने नहीं आ रहा है, ठीक है, केवल नाउन आ रहा है, तो नाउन आ रहा है तो उसमें नाने नहीं आएगा, तो आप नाउन में बदल दीजिए और उसके पहले अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार प्रीपोजिशन लगा दीजिए। प्रीपोजिशन जैसे आप पढ़े होंगे कक्षा 10 में भी प्रीपोजिशन का प्रयोग इंटर में भी सिंटैक्स में है। प्रीपोजिशन बहुत कठिन प्रीपोजिशन आपको नहीं इसमें याद करना, केवल सरल सरल प्रीपोजिशन से, जैसे मान लीजिए आ गया पहुंचने पर, तो आन रीचिंग कर देंगे, आन आन माने पर, ठीक है, मेरे साथ, विथ मी, ठीक है, तो प्रोनाउन है। मान लीजिए अगर हम मान लीजिए आ गया देने के अतिरिक्त, तो बिसाइड्स गिविंग कर देंगे, ठीक है, बिसाइड्स माने के अतिरिक्त होता है। जैसे कीमत बताने के लिए मेक अंग्रेजी फार लगता है, ठीक है, इन तो स्थान के लिए लगता है, जैसे 20 रुपये में तो फार 20 रुपये, या 20 रुपये में, या 20 रुपये के बदले में, तो मे के बदले में फार हो जाता है। इसके अलावा बाद आ रहा है तो आफ्टर लगा दीजिए, जैसे सूर्यास्त के बाद आफ्टर सनसेट, पहले आ रहा है जैसे बिफोर सनसेट कर दीजिए, सूर्यास्त पहले, ठीक है। इस तरह से आप अर्थ के अनुसार कर देंगे, देखते हैं उदाहरण उदाहरण से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ सीता बॉट ए पेन, सीता ने एक कलम खरीदी और सी गेव 5 रुपीज फॉर इट, वह इसके लिए 5 रुपये दी। तो आप अर्थ क्या निकालोगे, सीता ने एक कलम खरीदी, वह इसके लिए 5 रुपये दी, या इसके बदले 5 रुपये दी, फार माने में या के बदले, इसके बदले 5 रुपये दी, तो हम यही कहेंगे वह सीता 5 रुपये में एक कलम खरीदी। तो सीता बॉट ए पेन पहला वाक्य जो कहते हो लिखेंगे, तो फार इट मतलब कलम के लिए, ठीक है, कलम के लिए, तो हम यही कहेंगे सीता बॉट ए पेन फॉर 5 रुपीज, ठीक है। वह जो है एक सीता एक कलम खरीदे, वह इसके लिए 5 रुपये दी, कहने मतलब 5 रुपये में कलम खरीदे, तो यह 5 रुपये के बदले कलम ली। तो यहाँ सीता बॉट ए पेन, अब यहाँ फार है ना, तो फार करके ये 5 रुपीज जोड़ दीजिए, आराम से आपका वाक्य हो गया। इस तरह से कोई भी चीज़ अगर वाक्य में आएगा, सीता ही बॉट ए हाउस, ही गेव 5,000 रुपीज़ या 1,00,000 रुपीज़, तो जो भी रहेगा, तो ही बॉट ए हाउस फॉर 1,00,000, फॉर 5,000, तो इस तरह से आप लिख लीजिए, फार करके कीमत बता दीजिए, बस बात खत्म। अगला, ही गेव मी एडवाइस, वह मुझे सलाह दिया, ही आल्सो हेल्प्ड मी, वह मेरी सहायता भी किया। तो अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो यही कहेंगे, उस मुझे सलाह देने के अतिरिक्त तो वह मेरी सहायता भी किया। तो बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, तो गेव का गिविंग हो गया, ठीक है, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, ही हेल्प्ड मी, वह मेरी सहायता भी किया। तो देखिए पहले वाले में क्या था कि जीरंड नहीं बदला गया, क्योंकि 5 रुपीज़ रुपी नाउन है, नाउन से पहले फार लगा दिया तब भी सही है, ठीक है, अगर नाने नहीं आएगा तो जीरंड लगेगा। तो यहाँ बिसाइड्स गिविंग माने देने के अतिरिक्त, तो इसमें ने आ रहा ने के अतिरिक्त, तो पहले के अतिरिक्त की अंग्रेजी लिखा जाएगा बिसाइड्स, ठीक है, उसके बाद जीरंड लिखा जाएगा, तब उसके बाद पहला वाक्य लिख देंगे, उसके बिसाइड्स गिविंग में एडवाइस के बाद काम करके अगला वाक्य सेम टू सेम लिख देंगे। अगला देखिए वाक्य, आई मेड माई बेस्ट इफोर्ट्स, मैं अपनी तरफ से सर्वोत्तम प्रयास किया, आई कुड नॉट पास बी ए, मैं बी ए नहीं पास हो सका। तो अब यहाँ क्या है, बात का विरोध हो रहा है, तो विरोध के लिए प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ लगता है, और जब एक काम के साथ दूसरा काम भी होता है तो बिसाइड्स लगता है। पहले वाले में देखिए, वह मुझे सलाह दिया, वह मेरी सहायता भी किया, तो सलाह देने के अतिरिक्त सहायता भी किया, साथ साथ दूसरा काम भी किया, तो बिसाइड्स लगता है। लेकिन यहाँ क्या, मैं सर्वोत्तम प्रयास किया, मैं पास नहीं हो सका, तो पास करने के बावजूद भी, प्रयास करने के बावजूद भी पास नहीं हो सका, तो यहाँ विरोध हो गया। तो ऐसे वाक्य को इन स्पाइट ऑफ से जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तो के बावजूद हिंदी मारा,
तो इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट इफोर्ट्स, अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद आई कुड नॉट पास बी ए, मैं बी ए पास नहीं हो सका। तो देखिए पहले वाक्य से आई और मिड हट जाएगा, क्योंकि भाई एक ही मेन वर्ब लिख सकते हो, तो यहाँ पास है कुड नॉट सर, तो इसमें नहीं लिखेंगे। तो इन स्पाइट ऑफ करके अब उसके बाद हम केवल नाउन लिख सकते हैं, तो माई बेस्ट इफोर्ट्स, ये इफोर्ट्स नाउन है तो इसको हम लिख दिए, ठीक है, माई बेस्ट इफोर्ट्स, ये पूरा फ्रेज बना के लिख दिए, आई कुड नॉट पास बी ए। अगला, द मून रोज, चंद्रमा निकला, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, यात्रा समाप्त नहीं हुई, तो हो जाएगा द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ जर्नी, द मून रोज माने चंद्रमा निकला बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, यात्रा के अंत होने से पहले चंद्रमा निकला, तो द एंड ऑफ द जर्नी, तो मतलब यात्रा विशेष यात्रा तो द लग गया इसमें। तो क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, मून जोड़ेंगे हम, चंद्रमा निकला यात्रा समाप्त नहीं हुई, तो हम जोड़ेंगे तो यही कहेंगे यात्रा के समाप्त होने से पहले, यात्रा की समाप्ति से पहले चंद्रमा निकले, यात्रा की समाप्ति से पहले चंद्रमा निकले, तो द मून रोज माने चंद्रमा निकले, बिफोर माने पहले, द एंड माने समाप्ति ऑफ द जर्नी जर्नी। तो मतलब यहाँ क्या है कि रोज मेन वर्ब लिख दिया गया, तो यहाँ द एंड, एंड माने अंत, ये नाउन हो गया, बिफोर इसके पहले प्रीपोजिशन लग गया, ऑफ जर्नी लग गया। अब यहाँ देखिए जर्नी से पहले भी ऑफ है, तो ये तरह से नाउन से पहले ऑफ हों, मतलब प्रीपोजिशन रहना चाहिए बस, ये भी प्रीपोजिशन नाउन से पहले है, ये भी नाउन से पहले हैं। अगला वाक्य है, सीता हैड फेल, सीता असफल हो गई, सीता हर्ड द न्यूज, सीता समाचार सुनी, सी फेंटेड, व मूर्छित हो गए, मतलब सीता असफल हो गई, सीता वह समाचार सुनी, व मूर्छित हो गए। तो हम इन तीनों वाक्य को जोड़ने पर यही कहेंगे, अपनी असफलता का समाचार सुनने पर सीता क्या हो गई, मूर्छित हो गई। तो ऑन हियरिंग माने सुनने पर, द न्यूज ऑफ हर फेलियर, अपनी असफलता का समाचार, सीता फेंटेड, सीता मूर्छित हो गई। यहाँ लास्ट में देखिए सीता शुरू में हटाए, यहाँ हटाए, तो लास्ट वाले में सी की जगह क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा, क्योंकि पहली बार प्रोनाउन की जगह नाउन कर देते हैं। जोड़ेंगे तो ना अपने असमलता का समाचार सुन, ऑन हियरिंग, देखिए हियर का जो है हियरिंग हो गया, द न्यूज हो गया, हियर न्यूज का हियरिंग, द न्यूज हो गया, ऑफ कर देंगे, सी का हर हो जाएगा, फेल का फेलर नाउन बना देंगे। तो इस तरह से बर्फ को हम चाहे जीरन बदलें चाहे नाउन बदलें, फेल माने असफल होना, फेलर माने असफलता। अब जब ये नाउन हो गया तो यहाँ तो हम ही लिख नहीं सकते, तो उसका पजेसिव केस सी, सॉरी सी नहीं लिख सकते, सी या सीता नहीं लिख सकते, तो उसका पजेसिव केस यहाँ हर लिख देंगे। उसके बाद अगले वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब दे देंगे, ठीक है, काम हो गया, सी फेंटेड। लास्ट वाक्य, यू हेल्प्ड मी, तुम मेरी सहायता की, आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। तो अब यहाँ क्या कि ये काम करने के, ठीक है, अगर नहीं किया गया होता तो उसके बिना आदमी कुछ हो जाता, फेल हो जाता, पास हो जाता, जो भी, तो उसमें विदाउट लग गया था, बिना आ रहा तो विदाउट हो गया, क्योंकि इसके पहले में क्या था, सुनने पर सुनना ऑन हियरिंग हो गया, कहते हैं यहाँ ये इसको कैसे जोड़ोगे आप, आपने मेरी सहायता किया, अब मैं फेल हो गया होता, तो यही कहेंगे ना, मैं तुम्हारी सहायता के बिना क्या फेल हो गया होता, या मैं आपकी सहायता के बिना फेल हो गया होता, तो आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता विदाउट योर हेल्प, बिना तुम्हारी सहायता के। तो यहाँ क्या है, तो बिना तुम्हारी सहायता के, सहायता करना नहीं आ रहा है, हेल्पिंग कर दे, सहायता आ रहा है, तो सहायता नाउन भी है, हेल्प माने सहायता करना भी होता, सहायता भी होता, तो अब नाउन है तो इसके पहले पजेसिव केस का एडजेक्टिव योर आता, तो यू तो हम लिख नहीं सकते हैं नाउन के पहले, तो योर हेल्प, तुम्हारी सहायता, और उसके बाद विदाउट माने बिना। तो इस तरह से यहाँ क्या है कि विदाउट योर हेल्प, आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प, मैं बिना तुम्हारी सहायता के असफल हो गया होता, इस तरह से होता। अब देखिए आगे दिया, यदि दो सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो उन्हें जोड़ते समय जीरंड के पैसिव फॉर्म बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। अगर मान लीजिए दो सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस में, तो जीरंड का भी पैसिव फॉर्म यूज कर दीजिए। पैसिव फॉर्म क्या होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, जीरंड मतलब क्या, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या पड़ेगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है ना, जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर, ए लेटर इज रीडिंग, इज बीइंग रिटन हो जाएगा, तो राइटिंग का बीइंग रिटन हो जाता है ना पैसिव वॉइस, वही इस तरह से बींग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो पैसिव वॉइस। तो मान लीजिए देखिए, ही वाज अवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया, ठीक, तो देखिए वाज साथ अवार्डेड, ये पैसिव वॉइस में किसी के द्वारा ही पुरस्कृत किया गया, तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट कोई लिखना जरूरी नहीं होता हमेशा पैसिव वॉइस में। दूसरा, ही वाज गिवन ए ट्रॉफी, उसे एक ट्रॉफी दिया गया, ट्रॉफी मतलब विजय स्मारक चिन्ह होता, जीतने पर जो ट्रॉफी मिलती है। तो यहाँ देखिए दोनों वर्ब के थर्ड फॉर्म में, क्योंकि वाज साथ यहाँ भी थर्ड फॉर्म, वाज साथ यहाँ भी थर्ड फॉर्म, वाज के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म आएगा तो पैसिव वॉइस ही माना जाएगा, एक्टिव वॉइस में आईएनजी आता है। तो नियम हमारे ये कह रहे, दो सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो उन्हें जोड़ते समय जीरंड के पैसिव फॉर्म यानी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए अब यह इसको हम कैसे, उसे पुरस्कृत किया गया, उसे ट्रॉफी दिया गया, तो हम यही कहेंगे
उसे एक टॉफी दे करके पुरस्कृत किया गया। तो ही वाज अवार्डेड पहला वाक्य जो कहते हैं लिखते हैं उसे पुरस्कृत किया गया। तो उसके बाद देखिए वाज गिवन का होगा बाय बीइंग गिवन, वो बाय बीइंग गिवन माने दे करके, ए ट्रॉफी माने एक ट्रॉफी। ठीक, तो अब यहाँ क्या है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यही पास ऐसा जीरेंड का, तो गिवन तो ऑलरेडी थर्ड है वाज का बीइंग कर देंगे तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हो गया बीइंग गिवन, और इसके पहले बाय लगा देंगे, बाय माने द्वारा या बाय प्लस, ठीक है, बाय के साथ जो है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे तो करके आता है, मतलब किसी काम को करने के द्वारा, उसे एक ट्रॉफी देने के द्वारा या ट्रॉफी दे करके पुरस्कृत किया गया। इस तरह से आपका जो है ये जो है आपका वाक्य सभी समझा दिए गए हैं। आगे आपको इसकी वीडियो भी आपको एक्सरसाइज भी सीरियल से हल किया कर रहा हूँ आपको, फिर पार्टिसिपल हल किया हूँ तो ये भी मिल जाएगी। बाकी तो आप जल्दी आप देखना चाहते हैं तो पिछले साल भी मैं हल किया हूँ एक्सरसाइज नंबर 4 मेकिंग सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग जीरण, ठीक है, या बाय यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरण सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो नहीं तो आप कर लीजिए फिर आपको जल्दी इसका साल भी मिल जाएगा। रिवीजन सीरीज चल रही है तो इसमें एक तरफ से पूरा जो छूट गया उसको भी कराया जा रहा है। नाउन या फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग करके अगला रूल है तो आपको अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, घंटी दबा के रखें ताकि ऐसे ही सारा कंटेंट पूरा एक्सीलेंट का जो है रूल्स आपको समझा दे रहे हैं, बिना लिखे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसका सॉल्व करा रहे हैं एक्सरसाइज तो उसमें भी हम रूल बताते हैं सॉल्व करते समय, तो इसलिए आप वीडियो को देखें पूरा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स यू माइंड परफेक्ट, इसी से आपको सब कुछ आ जाएगा। बाकी आपको एग्जाम के सारे क्वेश्चन हम जल्दी तैयार करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यही पूरा नियम बता दें तुरंत इसके एग्जाम के भी जितने सारे क्वेश्चन आए उसको मैं सॉल्व कर दूंगी, इसलिए मैं पहले इसको रूल बता के एग्जाम के क्वेश्चन हल कराने जा रहा हूँ। बीच बीच में ये भी आपका जो है पूरा अपलोड करता रहूँगा सॉल्व करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में रूल्स 5 नाउन या फ्रेज इन पोजिशन का प्रयोग पढ़ते हैं। इसके पहले हम आपको चारों रूल्स सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पढ़ा चुके हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसे भी सर्च करके या प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। रूल 5 नाउन या फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, नाउन या फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं देखते हैं। एपोजिशन फ्रेज इन पोजीशन, नाउन माने संज्ञा, फ्रेज माने शब्द समूह, एपोजिशन माने क्या होता है समान स्थिति होता है। ठीक, तो एपोजिशन का अर्थ है इन एडिशन ऑफ वन वर्ड आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू अंदर एज एन एक्सप्लेनेशन, मतलब क्या एडिशन माने जोड़ या ऑफ वन वर्ड एक शब्द का आर ग्रुप अथवा समूह ग्रुप ऑफ वर्ड शब्द के समूह का जोड़ टू अंदर दूसरे के लिए एज एन एक्सप्लेनेशन व्याख्या के लिए। कहने का मतलब ये है आप सिंपल में जान लीजिए पोजिशन किसे कहते हैं, किसी ठीक है नाउन के लिए कोई भी नाउन रहेगा कोई शब्द रहेगा वन वर्ड रहेगा कोई एक शब्द रहेगा ठीक है, तो उस नाउन की विशेषता बतलाने के लिए एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या, उस नाउन की व्याख्या करने के लिए मतलब उसकी विशेषता या विस्तार करने के लिए, किसी नाउन की व्याख्या या विस्तार करने के लिए जितने सारे शब्दों का प्रयोग किया था ठीक है, जो शब्द या शब्दों का समूह प्रयोग किया था उन शब्दों के समूह को ही हम एपोजिशन कहते हैं। ठीक, आप ऐसे भी कह सकते हो नाउन की पोजीशन को क्लियर करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम एपोजिशन कहते हैं, वो शब्द उस नाउन के समान स्थिति में रहेंगे, इसलिए जो है एपोजिशन का मतलब साइड बाय साइड ठीक है अगल बगल में समान स्थिति में लिख देना। तो इस तरह से नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन किसी किसी किताब में आपको मिल जाएगा नाउन या केस इन एपोजिशन ठीक है, तो इसका अर्थ होता है समान स्थिति, समान स्थिति में कोई नाउन के समान स्थिति में जो भी वर्ड रहेंगे उसके बगल हम दो कामा के बीच में लिख देते हैं उसी को कहते हैं केस इन एपोजिशन। देखते हैं एपोजिशन का अर्थ हो गया इसीलिए, हाँ अर्थ है एडिशन ऑफ वन वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू अंदर एज एन एक्सप्लेनेशन, और इसीलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है ठीक है, तो समान स्थिति में होगा सीधी बात उसके बगल ही रहेगा। जो नाउन या फ्रेज इन पोजीशन में रहता है उसे दो कामा के बीच में रखता है, दो कामा के बीच में रखा जाता है क्योंकि पोजीशन को क्लियर करने के लिए एक्स्ट्रा जानकारी जो है दिया जाता है जब जो भी, तो पंचुएशन का रूल है जिस नाउन की पोजीशन करने के लिए जितने शब्दों को लिखा जाता है उसके जस्ट बगल तो उसको कामा लगा के हम लिखते हैं, बीच में रहेगा वगैरह वो शब्द तो दो कामा के बीच में रहेगा, अगर लास्ट में रहेगा तो नाउन के बगल कामा रहेगा लास्ट में तो फुल स्टॉप लग जाता है तो एक ही कामा से काम चल जाएगा। उदाहरण देखते हैं सुरेश इज ए टीचर, सुरेश एक अध्यापक है, ही इज़ वेरी जेंटल, वह बहुत सज्जन है, तो
हम ये कहेंगे सुरेश की पोजीशन क्या है, ए टीचर का के बताएंगे, तो सुरेश के बगल कामा करके ए टीचर लिख देगा, उसके बाद वर्ब इज वेरी जेंटल लिख देगा, सुरेश एक अध्यापक बहुत जेंटल है, सुरेश जो एक अध्यापक है बहुत क्या है, जेंटल है, तो सुरेश एक टीचर बहुत क्या है, जेंटल है। आगे देखते हैं, यहाँ टीचर का एक नाउन है जो दूसरे नाउन सुरेश की व्याख्या करता है, सुरेश की व्याख्या इस तरह से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है कि वो टीचर हैं, स्पष्ट किया जा रहा है उनकी पोजीशन, तो टीचर सुरेश के साथ एक पोजीशन में है, यानी कि एक समान स्थिति में है। इस विधि का प्रयोग तब होता है जब विभिन्न कार्य वाक्यों में से कोई दो नाउन्स हों जो एक ही वस्तु या व्यक्ति या स्थान प्रकट करते हैं, ठीक, ऐसी स्थिति में उनका प्रयोग एपोजिशन के रूप में होता है। अन्य उदाहरण देखिए, ठीक, नाउन्स जो एक ही वस्तु व्यक्ति या स्थान प्रकट करते हैं ऐसी स्थिति में उनका प्रयोग एपोजिशन के रूप में होता है। अन्य उदाहरण देखिए, एक ही वस्तु व्यक्ति या स्थान को प्रकट करेंगे जो नाउन, ठीक है, उसकी पोजीशन के लिए करने के लिए उसके बाद लिखा जाएगा तो पोजीशन में हो जाएगा। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि कक्षा में सबसे अच्छा लड़का था, ही वाज द मॉनिटर, वो मॉनिटर था। अब यहाँ रवि की पोजीशन क्या बताई गई, ये समझना कौन सा नाउन है, किस नाउन की पोजीशन बताया जा रहा है इसमें, तो यहाँ रवि की पोजीशन द बेस्ट बॉय इन द क्लास कहा गया, कक्षा में सबसे अच्छा लड़का उसको कहा गया। एक तो ये है मतलब कि रवि द बेस्ट बॉय है, मतलब उस बताया जा रहा है कि हाँ बहुत अच्छा लड़का है, सर उसकी स्थिति बताई जा रही है इसमें, सर्वोच्च स्थिति। और दूसरा ही वाज द मॉनिटर, मॉनिटर है, तो मुख्य पोजीशन इसमें मॉनिटर करके ही बताया गया। दोनों वाक्य को पढ़ने से ये पता चला रवि की भाई पोजीशन स्टूडेंट तो हैं बहुत सारे हैं, लेकिन ये मॉनिटर है तो इसकी एक अलग पोजीशन है, रवि कामा द मॉनिटर वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इस तरह से हो जाएगा। रवि मॉनिटर मतलब कक्षा का नायक, सब क्लास में सबसे अच्छा था। दूसरा देखिए, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, टैगोर गीतांजलि के लेखक थे, ही वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, वह भारत के एक महान कवि थे। तो यहाँ पोजीशन देखिए दो तरीके से बताया गया, तो कभी कभी दो शब्द रहते हैं, कुछ को भी किसी को भी आप पोजीशन बता सकते हो, ठीक। अगर पहले वाले में से मॉनिटर ना होता तो मॉनिटर ज़्यादा अच्छी पोजीशन बताएगी, तो द बेस्ट बॉय इन द क्लास करके यहाँ कोई काम बताया तो उसको भी हम लिख देते तो मान जाता, माना जाता, लेकिन ज़्यादा जो आपके हिसाब से उचित हो, बेटर पोजीशन सबसे ज़्यादा जिसमें उनकी पोजीशन आसपास वही को लिखना चाहिए, तो पहले वो मॉनिटर था। दूसरे में क्या, टैगोर की पोजीशन क्या है, ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, भारत के एक महान कवि भी है टैगोर, और उसके बाद इनकी द ऑथर ऑफ द गीतांजलि भी हैं, गीतांजलि के लेखक भी हैं, उनको भी गीतांजलि के लेखक हैं, तो भाई गीतांजलि द ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, गीतांजलि लिखे हैं तो इसी कारण ये महान कवि हैं, तो इसलिए उसको भी हम पोजीशन में बता सकते हैं। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, देखते हैं, टैगोर ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, तो देखिए भारत के एक महान कवि है, सबसे बेस्ट है इनकी पोजीशन बताई जा रही है, तो इसको हम लिख दिए। आगे पीछे काम लगा दिया, वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, गीतांजलि के लेखक थे, तो इनका काम बता दिया। अब इसको ऐसे भी देखिए बना दिए, टैगोर द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, टैगोर गीतांजलि के लेखक, वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, भारत के एक महान कवि थे। तो इस तरह से दोनों तरीके से इसको बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये है कि मेन वर्ब की ओर लेख होना चाहिए, और जो पोजीशन वाले शब्द हैं उनकी व्याख्या करने के लिए जो शब्द हैं उनको बगल ही लिखेंगे हम, नाउन के जस्ट बगल, जिस नाउन की व्याख्या किया जा रहा है। तो इसमें टैगोर की व्याख्या किया जा रहा है ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया का के, और द ऑथर ऑफ द गीतांजलि का के भी इनकी व्याख्या किया गया, दोनों का के किया गया, तो इस दोनों में से एक ही लिखेंगे, तो उसके बाद हम जो मतलब बचा रहेगा अन्य वर्ब के साथ उसको हम उसे छोड़ देंगे। तीसरा वाक्य है, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली गया, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो करना क्या कि माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, अब यहाँ दिल्ली की विशेषता बतलाई गई द कैपिटल ऑफ इंडिया करके, तो दिल्ली के बाद द कैपिटल ऑफ इंडिया करके आप भी जोड़ दीजिए, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी दिल्ली गया। तो अब यहाँ देखिए क्या देख रहे हो, दिल्ली की विशेषता बतला रहे हैं, दिल्ली की व्याख्या द कैपिटल ऑफ इंडिया करके बता गया, तो दिल्ली के बाद जो कैपिटल ऑफ इंडिया लिख दिया गया, तो इसके बाद कुछ और नहीं लिखना, तो फुल स्टॉप लग जाएगा, तब एक ही काम से काम चल जाएगा, केवल दिल्ली की बात काम लगेगा लास्ट में, फुल स्टॉप क्योंकि लगने का नियम है, तो लास्ट में जब वाक्य खत्म हो गए तो प्रश्न अल्प विराम तो लगेगा नहीं, काम फुल स्टॉप लगा देंगे। चौथा वाक्य आपका, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी एक महान नेता थे, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, वह भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते थे, जाते हैं। यहाँ महात्मा गांधी की पोजीशन क्या बताया गया, ग्रेट लीडर बताया गया, तो लिख दीजिए कामा करके एक ग्रेट लीडर फिर कामा, उसके बाद अगले वाक्य से आप इज कॉल्ड से बर्फ से लेके आने शब्द को जोड़ देते हैं, इज कॉल्ड द लीडर ऑफ द फादर ऑफ द नेशन, इसका अर्थ क्या होगा, महात्मा गांधी एक महान नेता को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। पाँचवा, कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, कोलंबस एक प्रसिद्ध नाविक था, ही वाज एन इटालियन, वह एक इटली का था, इटालियन था, ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका की खोज किया।
तो हम इसको ऐसे कहेंगे, कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर, कोलंबस एक प्रसिद्ध अमेरिका का सेलर, ठीक है, यहाँ ए फेमस सेलर था वो भी इटालियन का था, तो इटालियन यहाँ मिला लेंगे, ए फेमस इटालियन सेलर, ये वाक्य कम हो जाएगा क्योंकि साल्ट में कहना ना, तो कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर, कामा करके लिख देंगे डिस्कवर्ड अमेरिका, यानी सिम में बर्ब और जो बचा है उसके साथ शब्द लिख देंगे, इसका अर्थ आराम से हो जाएगा। कोलंबस की व्याख्या एक फेमस इटालियन सेलर का कहेंगे, कोलंबस एक प्रसिद्ध इटालियन नौविक ने डिस्कवर्ड ने अमेरिका की खोज किया, डिस्कवर्ड में खोज करना या पता लगाना। अब देखिए इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, कोलंबस की एक व्याख्या इस तरह से भी किसी, डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, अमेरिका का खोज करता, डिस्कवरर माने खोज करना, तो भाई खोज करता भी कह सकता, कह सकते हैं। डिस्कवर आपका नाउन वर्ब है तो वर्ब से ई आर जोड़ देंगे तो डिस्कवरर हो जाएगा, खोज करने वाला यानी खोज करता। जैसे किसी वर्ब में ई आर लगाने से नाउन बनता है, जैसे टीच माने पढ़ाना, तो टीच में ई आर लगाने टीचर माने पढ़ाने वाला यानी कि अध्यापक, तो इस तरह से डिस्कवर से डिस्कवरर भी बना सकते हैं। तो कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, अमेरिका का खोज करता, अमेरिका की खोज किया नहीं, अमेरिका का खोज करता हुआ, तो आप लगा सकते हैं प्रीपोजिशन, भाई इसके पहले भी तो बताया गया कि नाउन से पहले प्रीपोजिशन आराम से लगा सकते हो, तो व्याख्या किया गया है तो इसलिए दोनों बगैर काम भी लगा सकते हो। कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वाज ए फेमस इटालियन सेलर, वह एक प्रसिद्ध अमरीकी नाविक था। तो यहाँ देखिए डिस्कवरर पहले द भी हम लगा देते हैं क्योंकि ग्रामर का रूल है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, डिस्कवरर नाउन अमेरिका नाउन बीच में आप है तो पहले नाउन पहले द जरूर लगता है, दूसरे के पहले तभी लगता है जब वो विशेष अर्थ में रहेगा। लास्ट वाक्य, इंदिरा गांधी वाज और प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, सी वाज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड, उन्हें उनके सुरक्षाकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, गोली मार दिया गया था। तो अब यहाँ क्या है, तो इंदिरा गांधी की पोजीशन क्या बताई गई, आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारी प्रधानमंत्री हैं, तो कामा के बीच में दो लिख दिया गया, वाज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड, तो इसको हम जोड़ दिया गया, ठीक। तो इसका अर्थ हो जाए इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री को उनके सुरक्षाकर्मियों द्वारा मार दिया गया था। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इसके बाद आप इस तरह इसको हल कर लीजिए, इसकी वीडियो भी अपलोडेड है, आप सर्च करके देख सकते हैं, या फिर रिवीजन सीरीज चल रही है तो शुरू से आपको फिर आपको मिल जाएगा, जैसे ही अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एक तरफ से पूरा रिवीजन चल रहा है, आपकी बार रूल सहित बता रहा हूँ, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखिए, फिर आगे की वीडियो में आपको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज और जो भी इसके बाकी रूल्स हैं उसको बताए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज, आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज सिंथेसिस का जो सिंपल सेंटेंस बनाने के रूल्स पढ़ रहे थे उसमें छठवां रूल पढ़ रहे हैं, और एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, इसके पहले और रूल्स बता चुके हैं, अगर आप उसको नहीं देखे तो उस वीडियो भी देख लीजिएगा। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको हम देखेंगे। तो पहले जान लीजिए एडवर्ब क्या है, एडवर्ब माने होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की क्या करते हैं विशेषता बतलाता है, सबसे ज़्यादा विशेषता क्रिया की बतलाता है, लेकिन ये नहीं कि और शब्दों की विशेषता नहीं बतलाता। तो ये नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन इनको छोड़कर सभी की विशेषता बतलाता है, तो नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर जो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। नाउन प्रोनाउन की बतलाएगा नाउन प्रोनाउन की जो बतलाएगा तो उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, तो नाउन प्रोनाउन की ये नहीं बतला सकता। इंटरजेक्शन एक अपने आप में इमोशंस हैं, सडन एक्सप्रेसेस जो होती हैं हार्ट में, हृदय में उठने वाली अचानक उठने वाली भावनाएं हैं, तो उसकी भी यह विशेषता नहीं बतलाएगा। और ये नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी की विशेषता बतलाएगा और पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बतला सकता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्बियल फ्रेज क्या है, एडवर्ब से रिलेटेड जो शब्दों का समूह होता है तो उसको एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। जैसे कुछ शब्द रहते हैं जिसमें नाउन रहता है और प्रीपोजिशन रहता है, वो मिलकर इकट्ठा अर्थ लिया जाता है, तो एडवर्ब का काम करते हैं वो सभी शब्दों के समूह, तो इसलिए उनको हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। तो इनको क्रिया विशेषण संबंधी शब्द समूह कहेंगे और एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। तो चलिए इसके द्वारा सिंथेसिस बनाते समय हम कैसे रूल अप्लाई करेंगे तो उसको देखते हैं। एडवर्ब साधारणतया एल वाई का प्रयोग करके बनता है, यानी कि कोसी मतलब एल वाई अक्सर इसके अंत में रहता है, एक वाक्य के बाद कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का काम करते हैं तब उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। एडवर्बियल फ्रेज में क्या होता है कि कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का काम करते हैं। यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता बतलाता है, तो जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं। मतलब दो वाक्य रहेंगे इसमें, तो एक वाक्य में जो कोई शब्द को हम एल वाई लगा के एडवर्ब बना देंगे
और देख लीजिए यल वाई जो लगा के एडवर्ब बनता हो तो उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, वो हमेशा कोई तरीका बदलता है, मैनर तरीका या ढंग। तो अक्सर यल वाई कहाँ लगेगा, किसी एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में हम अगर यल वाई लगा देंगे तो वो हमेशा एडवर्ब हो जाता है। एडजेक्टिव में यल वाई लगाने से क्या होता, एडवर्ब होता। एक बात ध्यान दीजिए, एक माइनर बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, एडजेक्टिव में यल वाई लगा देंगे तो हमेशा एडवर्ब हो जाता है, एडवर्ब, ठीक। और एक बात यह भी जान लीजिए, नाउन में यल वाई हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे माजर माने कंजूस, तो माजरली माने कंजूसी, माज, ठीक है, मौज। तो लेकिन जो है कावर्ड माने कायर, तो कावर्डली माने कायरतापूर्ण, तो ये एडजेक्टिव ही है। लेकिन अगर एडजेक्टिव में हम यल वाई लगा देंगे तो एडवर्ब होगा, हमेशा एडवर्ब होगा। तो कोई एडजेक्टिव रहता है तो उसमें हम यल वाई लगा के उसका हम आराम से एडवर्ब बना देते हैं। अगर मान लीजिए एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है, तो नाउन में तो यल वाई लगता नहीं है एडवर्ब बनाने के लिए, तो नाउन के पहले हम प्रीपोजिशन लगा देंगे, ठीक है। तो नाउन के पहले क्या लगा देंगे, नाउन प्लस प्रीपोजिशन, तो हमेशा वो क्या हो जाता है, एडवर्बियल फ्रेज हो जाता है। और एडवर्ब कैसे होगा, एडजेक्टिव प्लस यल वाई, ये बात आपको ध्यान देना। तो दो वाक्य में एक वर्ब कोई रहेगा तो उस वर्ब की विशेषता बतलाया जाएगा, तो विशेषता बतलाने के लिए उसमें वर्ब में, ठीक है, वर्ब में आप प्रश्न कर लेंगे, ठीक है, कब क्यों कहाँ कैसे क्या, जो भी एडवर्ब से रिलेटेड नौ प्रकार के एडवर्ब होते हैं, समय, स्थान, कारण, प्रभाव, परिणाम, ये सभी, ठीक है, समय के लिए कब, स्थान के लिए कहाँ, कारण के लिए क्यों, तरीके के लिए कैसे, ठीक है, तो ये सभी प्रश्न कर लेंगे, कब क्यों कहाँ कैसे। तो बता देगा कि कोई तरीका रहेगा तो एलवाई लगेगा, नहीं तो फिर एडवर्बियल फ्रेज में बदलना पड़ेगा। तो चलिए एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ कुछ बातें बताई गई, ही वेंट टू आगरा, सॉरी ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया, ही वॉज पंचुअल, वह पंचुअल था, पंचुअल माने समयनिष्ठ था। यहाँ दूसरे वाक्य में पंचुअल शब्द पहले वाक्य की क्रिया वेंट की विशेषता बदला गया, ठीक है, अतः की विशेषता बदला, पंचुअल शब्द को एडवर्ब में बदलकर दोनों वाक्यों को मिलाकर इस प्रकार लिख सकते हैं, ही वेंट टू कॉलेज पंचुअली, पंचुअल माने होता समयनिष्ठ, वह कॉलेज वेंट माने जाता था, जाता था। प्रश्न करो कैसे जानता था, तो कैसे प्रश्न करोगे, हमेशा कैसे प्रश्न कर लिया करो वर्ब में, तो क्योंकि अब यल वाई वाला है ही एडवर्ब, इसमें जोड़ने के लिए प्रयोग किया जा रहा, तो कैसे लगा दोगे अपने आप, कैसे या किस प्रकार से या किस ढंग से, तो अपने आप बता देगा, जिसमें यल वाई लगाना है वो शब्द अपने आप मिल जाएगा आपको, एडजेक्टिव जो रहेगा। तो वह कॉलेज गया कैसे गया, पंचुअली समनिष्ठ रूप से जाता था, वेंट माने गया या जाता था दोनों, तो वह कॉलेज जाता था पहले वाक्य है, वह कॉलेज जाता था, दूसरा है वह समयनिष्ठ था, तो वह कॉलेज जाता था कैसे जाता था, उत्तर आएगा समयनिष्ठ रूप से जाता था, मतलब पंचुअलिटी के हिसाब, पंचुअली जाता था, मतलब समयनिष्ठ रूप से जाता था, मतलब डेली समय से जाता था। तो ही वेंट टू कॉलेज पहला वाक्य जो कहते हैं लिख दिया, दूसरे में पंचुअल को, पंचुअल एडजेक्टिव है, ठीक है, तो पंचुअली कर देंगे तो आराम से क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, एक एल बढ़ जाएगा। जैसे रियल में एल वाई जोड़ेंगे एक एल बढ़ जाता है, एक्चुअल में एल वाई जोड़ेंगे एक एल बढ़ जाता है, इतना ध्यान देना। अगर एडजेक्टिव में यल है तो यल वाई जोड़ने से घटेगा नहीं, बढ़ेगा। दूसरा वाक्य, आई फिनिश द वर्क, मैं काम पूरा किया, इट टुक मी नो टाइम, इसमें कोई समय नहीं लगा। तो यहाँ दूसरा वाक्य पहले वाक्य की फिनिश्ड की विशेषता बता रहा है, इसको एडवर्बियल फ्रेज इन नो टाइम में बदलकर दोनों वाक्य को मिलाकर इस प्रकार लिख सकते हैं। मतलब अर्थ देखिए, मैं काम पूरा किया, मैं कोई, इट टुक नो टाइम, इट टुक मी नो टाइम, इसमें मुझे कोई समय नहीं लगा, मैं काम पूरा किया मुझे कोई समय नहीं लगा। टुक माने होता लगा, समय लगने के लिए ना टेक का प्रयोग होता, ठीक है, इट टुक मी नो टाइम, मुझे कोई समय नहीं लगा। तो हम वाक्य को ऐसे कहेंगे ना, आई फिनिश द वर्क इन नो टाइम, मैं शीघ्र ही काम को पूरा कर लिया। तो नो टाइम माने होता है शीघ्र ही, ठीक है, नो टाइम माने कोई समय ना लगना। तो इन प्रीपोजिशन लगा देंगे, टाइम आपका नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, टाइम आपका नाउन है, तो प्रीपोजिशन प्लस टाइम ये एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। तो आई फिनिश द वर्क इन नो टाइम, तो इन नो टाइम याद कर लिए, एक फ्रेज है, इन नो टाइम माने होता है एडवर्ब फ्रेज, इसका अर्थ होता है शीघ्र ही, मैं इस काम को शीघ्र ही समाप्त कर लिया, मैं काम समाप्त किया, इसमें कोई समय नहीं लगा, कहने मतलब मैं काम को शीघ्र ही समाप्त कर लिया। चलिए एग्जाम्पल से और अच्छे समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपको एग्जाम्पल समझ लेंगे तो बाकी आप कर सकते हैं, वीडियो आपको मिल भी जाएगी एक्सरसाइज की, बाकी मैं डायरेक्टली आपको जल्द से जल्द एग्जाम के पेपर सबको सॉल्व कराऊंगा, पूरा सिंथेसिस में कितने आए हैं, यही नहीं हर टॉपिक के एग्जाम वाले क्वेश्चन तैयार करें, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा वही आते हैं। बाकी इसकी वीडियो मैं एक बार अपलोड भी किया हूँ, सर्च करेंगे आप पूरा सिंपल सेंटेंस की मास्टर वीडियो भी मिल जाएगी, सिंपल सेंटेंस मास्टर वीडियो वायरल में सर्च करेंगे पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक, और टुकड़े टुकड़े में मिल जाएगा, और रिविजन सीरीज चली रही है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो मैं नहीं अपलोड किया हूँ, मैं सोच रहा हूँ पहले उसको अपलोड कर दूँ, परीक्षा की तैयारी बच्चे जल्दी से जल्दी अपना बेहतर बना लें, ठीक है, समय से कोर्स पूरा हो जाए, बच्चों की जो डिमांड है एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए वो भी पूरा हो जाए।
सेपरेट है वाक्य राम राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप मेवाड़ के शान थे, मेवाड़ की शान थे, ये देर इज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। तो हम इसको वाक्य को जब जोड़ेंगे तो यही कहेंगे राणा प्रताप वाज अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, निस्संदेह रूप से मेवाड़ के क्या थे, शान थे, मेवाड़ की शान थे। तो राणा प्रताप थे, ठीक है, मेवाड़ की शान थे, किस रूप में थे, अनडाउटेडली, कैसे थे, मतलब शान अनडाउटेडली, तो थे में प्रश्न करो कैसे, तो अनडाउटेडली आएगा, नो डाउट, नो डाउट का जब हम एडवर्ब बनाएंगे तो अनडाउटेडली हो जाता। तो इस तरह से जो है राणा प्रताप मेवाड़ की शान थे, इसमें इसके बारे में कोई संदेह नहीं, प्रश्न शान थे कैसे, शान थे, तो उत्तर आएगा अनडाउटेडली। तो नो डाउट से, नो डाउट को जब हम एडवर्ब में बदलते हैं तो अनडाउटेडली, नो का मतलब नहीं, अन माने भी नहीं, तो अनडाउट, डाउट में ईडी जोड़ देंगे तो ये डाउट नाउन था, तो ईडी जोड़ देंगे तो डाउटेड हो जाएगा, नो को अन में बदल देते हैं, अनडाउटेड हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इसमें आराम से एलवाई हम जोड़ देते हैं तो अनडाउटेडली इस तरह से बना। तो अब इसको अगर चाहें तो हम एलवाई से ना बनाते तो ऐसे भी हो सकता, नो डाउट कामा राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, नो डाउट माने भी होता निस्संदेह, निस्संदेह जो है राणा प्रताप मेवाड़ के साथ, तब भी सही था, नो डाउट आप लगा देते, अगर आप बाई चांस अनडाउटेडली भूल जाइए तो नो डाउट कामा करके पहला वाक्य पूरा लिख देंगे तब भी आपका सही मान लिया जाएगा, ठीक, नहीं तो आप याद कर लेंगे नो डाउट का आएगा तो अनडाउटेडली कर देंगे, बस बात खत्म, तो अनडाउटेडली, ठीक, निस्संदेह रूप से मेवाड़ की शान थे, मेवाड़ की शान तो थे लेकिन अनडाउटेडली निस्संदेह रूप से थे। तो यहाँ तो वर्ब के बाद लगा दिए गए अनडाउटेडली, तो इस तरह से ये मतलब कि एडवर्ब ऑफ माइनर जो होता है वाक्य के शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, ठीक है, अगर पूरे वाक्य की विशेषता बतलाता है तो शुरू में आता है, किसी वर्ब की स्पेशल वर्ब की विशेषता बतलाता है तो बीच में आता है, नहीं तो लास्ट में भी आता है। तो यहाँ राणा प्रताप थे तो निस्संदेह रूप से थे तो वाज के साथ इसलिए लग गया। अगला है द स्टूडेंट रीड द बुक ही रीड इन इट इन हरी, विद्यार्थी किताब पढ़ा वैसे जल्दी में पढ़ा, तो अब यहाँ विद्यार्थी किताब पढ़ा प्रश्न करो कैसे पढ़ा, तो उत्तर है जल्दी में, जल्दी में मतलब हरी, इन हरी माने जल्दी होता, तो इसको हम यल वाई वाला एडवर्ब बनाएंगे, तो हरी का पहले हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो हरीड हो जाएगा, हरीड क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है, तो इसमें तब यल वाई आराम से हम जोड़ सकते हैं, तो हरीडली बना देंगे, या फिर आप हरी अब इसको भूल जाओ हरीडली, तो आप ऐसे भी द स्टूडेंट्स रीड द बुक इन ए हरी, तब भी सही था, इन ए हरी तब ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाता। तो मान लीजिए इसमें कैसे बनाए मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो हरीडली हरी से हरीड एडजेक्टिव बना के यलवाई जोड़ा गया है, ठीक है, तब एडवर्ब हो गया, कैसे पढ़ा, जल्दबाजी में पढ़ा, हरीडली हो गया। अगला है द ट्री वाज कट डाउन, पेड़ को काट दिया गया, द कटिंग डाउन वाज स्लो, काटने का काम धीमा था, तो अब यहाँ पेड़ को काट दिया गया, प्रश्न करो कैसे काट दिया गया, क्योंकि कैसे से ही आपको एडवर्ब मिल जाएगा, तो उत्तर आएगा स्लोली, धीरे धीरे, स्लो आपका धीमा है, स्लो माने धीमा, जैसे स्लो स्पीड, धीमी स्पीड, तो स्लो एडजेक्टिव का भी काम करता है, तो स्लो में हम यल वाई जोड़ देंगे तो स्लोली हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, तो द ट्री वाज कट डाउन स्लोली। अगला है ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला, ही प्लेड हैप्पीली, वह खुशी खुशी खेला, प्रसन्नतापूर्वक खेला, तो प्रश्न करो खेला कैसे खेला, उत्तर आएगा खुशीपूर्वक, तो ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली, तो इस तरह से तरीका है, तो लास्ट में बता दिया गया, अक्सर एडवर्ब ऑफ माइनर जो होता है तो वो लास्ट में आ जाता है, ठीक, मतलब वर्ब के बाद आता है, अगर ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट के बाद आता है माइनर तरीका। पांचवा वाक्य ही डिड हिज वर्क, वो अपना काम किया, ही वाज नॉट केयरफुल अबाउट इट, वह इसके बारे में केयरफुल माने सावधान या सतर्क नहीं था, तो प्रश्न करोगे ही डिड हिज वर्क, अपना काम किया कैसे किया, तो सावधान नॉट केयरफुल ना, सावधान नहीं था, इसका मतलब क्या था, लापरवाह था, तो नॉट को हटाना है तो केयरफुल का केयरलेसली हो जाएगा, केयरलेसली, केयरलेस होगा, केयरलेस में एलवाई जोड़ देंगे, तो नॉट केयरफुल का केयरलेस होगा, एलवाई जोड़ देंगे, तो वो अपना काम जो है लापरवाही से किया, ठीक, वैसे तो कहोगे नहीं कि वो अपना काम सावधानीपूर्वक नहीं किया, तो ही डिड नॉट हिज वर्क केयरफुल्ली, ऐसे भी कह सकते हो, तो ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, ऐसे भी, पहला वाक्य सेम टू सेम अगर लिखेंगे तो इसमें नॉट केयरफुल को केयरलेस कर देंगे, सावधानीपूर्वक नहीं यानी कि लापरवाही से, तो केयरलेस करेंगे तो एलवाई जोड़ देंगे, अगर बाय चांस आप केयर नॉट को ना हटाते तो आप, तो यहाँ नॉट आपको लेना पड़ता है, ही डिड नॉट, तब डू लिखना पड़े, ही डिड नॉट डू हिज वर्क केयरफुल्ली, ऐसे भी कर सकते थे, गलत आपका नहीं होता, जैसे ही डिड नॉट डू हिज वर्क, तब आप करेंगे केयरफुल्ली, ये भी सही था,
अपना काम सावधानीपूर्वक नहीं किया, तो अब यहाँ डिड हिज वर्क के साथ केयरफुल केयरलेस कर दिया, नॉट हट गया, अलियल वाई तब भी आपका सही है। अगला, द सनसेट सूर्य अस्त हुआ, द बॉयज हैड नॉट कम्प्लीटेड द वर्क, लड़के काम पूरा नहीं किए थे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सूर्यास्त हुआ, लड़के काम पूरा नहीं किए, तो प्रश्न करो, तो आप कहोगे यही कि लड़के काम पूरा नहीं किए थे, तो कब तक नहीं पूरा किए थे, क्योंकि समय की बात है, तो कब से आएगा, तो हो जाएगा बाई सनसेट, सूर्यास्त तक, सूर्यास्त हो गया, लड़के काम पूरे नहीं किए थे, तो अब यहाँ ठीक है, बाई सनसेट हो गया, बाई माने तक, बाई माने भी तक होता है, टिल माने भी तक होता है, तो बाई सनसेट माने सूर्यास्त तक, बाई सनराइज माने सूर्योदय तक, ठीक, बाई नून दोपहर तक, इस तरह से पास्ट परफेक्ट में तक की अंग्रेजी बाई हम लिख देते हैं। तो ये बाई सनसेट का आपका क्या एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि बाई प्रीपोजिशन है, सनसेट आपका नाउन है, ठीक, सूर्यास्त के बाद तो आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के पहले आप बिफोर सनसेट, इस तरह से ये फ्रेज बनते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ऐसी यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखिए, ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सबकी भलाई हो सके, सब बच्चे पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव और इसके लास्ट रूल के साथ, ठीक है, एडजेक्टिव और एंड का प्रयोग दोनों अगली वीडियो में कवर करा देंगे, और इसके बाद जो है अगला टॉपिक आपका चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एडजेक्टिव का प्रयोग पढ़ते हैं, 6 रूल हम बता चुके हैं, तो आज ये के वीडियो में जो है सिंपल सेंटेंस के सारे रूल कवर हो जाएंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज आपको बता दिया जाएगा, फिर आगे कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड ये सब चलते रहेंगे, बोर्ड परीक्षा की एक्सरसाइज हल कराइए। देखते हैं एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जब दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया है जो दूसरे वाक्य के किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है, तो उस विशेषण को मुख्य वाक्य में नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। मतलब कि दो वाक्य रहेगा, एक वाक्य में कोई नाउन रहेगा, उसकी विशेषता के लिए कोई एडजेक्टिव रहेगा, तो जब सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो वो जो एडजेक्टिव रहेगा उस नाउन के जस्ट पहले आ जाएगा, बस यही इतना करना है, बाकी मेन वर्ब को हटा देना है, एक ही मेन वर्ब रहने देना है, ठीक, एक सब्जेक्ट रखने देना। चलिए देखते हैं उदाहरण, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। उदाहरणों में ब्लाइंड, लेम, नोटोरियस को क्रमशः बॉय, मैन, थीव के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाया गया, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया गया ये बॉय, नोटोरियस, लेम, ये एडजेक्टिव है। पहला सेपरेट वाक्य है, सेपरेट मतलब अलग वाक्य है। पहला वाक्य देखिए, द बॉय, ए बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस में आया, ये वाक्य है। द बॉय वाज ब्लाइंड, लड़का कैसा था, अंधा था, तो यही जोड़ के एक वाक्य बनाना था सिंपल में, सब्जेक्ट और वर्ब एक होना चाहिए। तो हम कैसे कहेंगे इसको थोड़े में, कैसे कहेंगे, एक अंधा लड़का मेरी ऑफिस में आया, दो वाक्य था, एक लड़का मेरी ऑफिस में आया, लड़का अंधा था, तो थोड़े में कहेंगे तो एक अंधा लड़का मेरी ऑफिस में आया, तो सिंपल मतलब थोड़े में अपनी बात को संक्षेप में कहना। दूसरा उदाहरण, ही गेव मी ए रुपी टू ए मैन, वह एक आदमी को 1 रुपये दिया, राम गेव ए रुपी टू ए मैन, राम ने एक आदमी को 1 रुपये दिया। द मैन वाज लेम, आदमी लेम माने होता लंगड़ा, आदमी लंगड़ा था, तो हम इसको थोड़े में कैसे कहेंगे, राम ने एक लंगड़े आदमी को 1 रुपये दिया, राम गेव ए रुपी टू ए लेम मैन, तो लेम क्या है, लंगड़ा आदमी की विशेषता बतलाना, लंगड़ा शब्द, लंगड़ा आदमी, तो मैन से पहले ला के उसको सेट कर दीजिए। दूसरे में देखिए, ब्लाइंड था, बॉय की विशेषता बताया था, वो उससे पहले आ गया, तो नाउन के पहले कुल मिला के एडजेक्टिव को ला के सेट करना है इसमें। तीसरा वाक्य, द पुलिस काटे थी, पुलिस ने एक चोर को पकड़ा, द थीफ वाज नोटोरियस, चोर कैसा था, नोटोरियस माने कुख्यात, कुख्यात माने जो बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध उसको कुख्यात कहते हैं, और जो अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध रहता है उसको विख्यात कहते हैं, ठीक है, फेमस अंग्रेजी में कहते हैं, फेमस का अपोजिट है, ठीक है, नोटोरियस, प्रसिद्ध, वो भी अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध लेकिन ये बुरे कार्यों के लिए, यू कैन से राम रहीम एंड आसाराम बापू, और नोटोरियस सेंट, ठीक है, कुख्यात हैं, फेमस तो संत हैं लेकिन बुरे कार्यों के लिए अपने, पहले तो फेमस लोग समझते थे, अब नोटोरियस समझ रहे हैं, तो चलिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है, कानून उनको माना है, भारत का कानून। देखिए आगे, कंबाइन ईच, सॉरी, तो एक आपका वो है एक्सरसाइज, आप इसको कर लीजिएगा, इसको वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे सर्च करेंगे, नहीं तो रिवीजन सीरीज चल रही है, फिर घंटी दबा के रखे रहेंगे, उसमें आपको दोबारा मिल जाएगी। चलिए लास्ट रूल भी देख लेते हैं, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके, इसमें कुछ करना नहीं, केवल डायरेक्टली समझ लेना। कंजक्शन एंड का प्रयोग करके मतलब दो वाक्य जैसे जब जोड़ेंगे तो एंड कंजक्शन के रूप में नहीं रहेगा, दो शब्द रहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो उसको एंड से हम जोड़ देंगे तो भी सिंपल सेंटेंस ही माना जाएगा। हाँ, और इसमें एक किसी किसी किताब में एक और रूल दिया है,
एक जैसे वर्ब को कॉमन लेकर के, एक जैसे वर्ब को कॉमन लेकर के, मतलब दो वर्ब रहेंगी अगर, जैसे मान लीजिए गोज गोज दो बार है तो एक गोज को कॉमन ले लेंगे, जैसे दो सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को कॉमन ले लेते हैं, तो ये दोनों रूल इसी में आ जाते हैं, तो इसलिए इसमें अलग से नहीं दिया गया, इतना जान लीजिए। एंड का प्रयोग करके या एक जैसे वर्ब को कॉमन ले लेकर सिंपल सेंटेंस हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उदाहरण देखते हैं, इसका यही रूल ही है कि दो एक जैसे वर्ब को कॉमन ले लेंगे और दो शब्द को एंड से जोड़ देते हैं तो सिंपल बनाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आई वॉन्ट टू बाई ए पेन, मैं एक कलम खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई ए पेंसिल आंसर, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ। तो दोनों में आई आई है तो एक आई ले लेंगे हम, और वॉन्ट वॉन्ट दोनों में तो एक वॉन्ट को क्या करेंगे हटा देंगे, तो ये पहला वॉन्ट लिख देंगे, जिसमें एक में लिखेंगे दूसरे में नहीं लिखेंगे। आई वॉन्ट टू बाई, तो टू बाई उसमें भी था तो पूरा कॉमन ले लेंगे, ठीक, फालतू शब्दों को हटा देंगे। आई वॉन्ट टू बाई ए पेन, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूँ, एंड करके अगले वाक्य में जो और खरीदना चाहता हूँ ए पेंसिल वही जोड़ दो बस, आल्सो भी नहीं लिखेंगे क्योंकि जोड़ेंगे तो यही कहेंगे मैं एक पेन और एक पेंसिल खरीदना चाहता हूँ, वो तो बात अलग लिखकर भी लगा दिया गया है बात पर जोर देने के लिए, ठीक, जोड़ेंगे तो आल्सो दिया। दूसरा, राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर गया, मोहन आल्सो वेंट विथ हिम, मोहन भी उसके साथ गया, तो हम जब जोड़ के कहेंगे यही कहेंगे राम और मोहन कानपुर गए, राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर, तो ये राम और मोहन दोनों शब्द को जोड़े गए हैं, तो ये ठीक है सिंपल सेंटेंस, ये मेन वर्ब देखिए इसमें। तीसरा वाक्य है, आई साय ब्लैक काऊ, मैं एक गाली गाय देखा, आई साय व्हाइट का काऊ आल्सो, मैं एक सफ़ेद गाय भी देखा, तो हम जोड़ के कहेंगे तो आई साय ब्लैक एंड ए व्हाइट काऊ, मैं एक काली और एक सफ़ेद गाय देखा, तो इस तरह से हम क्या करेंगे सिंपल में शब्दों को जोड़ देते हैं। जब तक दो मेन वर्ब नहीं रहेगा तो हम उसको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड नहीं कहेंगे, एक ही मेन वर्ब रहेगा तो हम एंड से जोड़ेंगे शब्दों को तो सिंपल ही कहा जाएगा। तो इस तरह से ये सिंपल के सारे रूल्स थे, आई होप समझ में आ गया होगा, बाद वो मेरा प्रयास रहेगा तो इन सारे आठों रूल की एक मास्टर वीडियो में एक साथ बना दूँ ताकि आप इसको रिवीजन कर सकें रूल को, और बाद में इसके मास्टर वीडियो आपको सिंपल सेंटेंस की ऑलरेडी है, सर्च करके सिंपल सेंटेंस मेकिंग मास्टर वीडियो बाय रमेश सर सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा, या बाय आर एम इंग्लिश क्लासेस, तो उसको भी जरूर देख सकते हैं आप। तो ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए रूल्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।